परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा हरि बोल 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानत्वस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य में प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे अजन्मा होते हुए भी कृष्ण कैसे कंस के कारागार में प्रभु जन्म ग्रहण किए हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं बोले हे अर्जुन बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह व्यतीत तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम
नैति मामेति स्वर्जुन। भले हे अर्जुन, मेरा जो जन्म और कर्म है ये दिव्य और अलौकिक है, इसको अगर तत्वतः कोई जान ले, फिर शरीर छोड़ने का बाद फिर जगत में दो बार उसको जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसलिए साधारण बच्चों का जन्म कैसे होता है, पिता माता के मिलन से, लेकिन कृष्ण ऐसे जन्म नहीं हुए हैं। इसलिए भगवान सर्वप्रथम श्री वसुदेव का हृदय में प्रकाशित हुए, फिर वसुदेव महाराज देवकी को बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण की कथा सुनाई। जैसे गुरुदेव हमारे कानों में मंत्र देते हैं, ठाकुर जी मंत्र रूप में शिष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं। जब भगवान के नाम को हम जप करते हैं, कृष्ण मंत्र जप करते हैं, फिर भगवान स्वयं हृदय में दिव्य रूप में प्रकटित होते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी जैसे बच्चे का शुक्र जन्म होता है, ऐसे भगवान की शुक्र जन्म नहीं है, ऐसे भगवान की जन्म नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं मेरे जन्म कर्म जो दिव्य अलौकिक की है, अगर कोई जान ले फिर तो जन्म उसको फिर जगत में नहीं होता है। इसलिए कहते अजो अपि सर्ण अभयात्मा भूतान अपि ईश्वर अपि सर्ण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी जोग माया। कहते मेरा अज्य है, अज्य मतलब मेरा जन्म नहीं, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। बोले क्यों लेते हैं, इसलिए हमारे टीकाकार इसमें, हरे कृष्ण, हमारे टीकाकार इसमें 10 कारण करके बताएं। आप बता सकते हो कृष्ण क्यों अजन्मा होते हुए भी कृष्ण जन्म क्यों लेते हैं, उसका जो कारण बताते हैं बताओ। राम जी वाला जो जितना याद है बोलो, खड़े हो इधर आ जा, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाधु गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ तुम लोग लिखना, कल सबको पूछूंगा, ठीक है। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में जन्म प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चंद्र बिंदु में मेरा अनंत कोटि नमन प्रणाम। समस्त रूपों में गुरु वर्गों के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम। यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य नम्र प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है, जैसा अभी हमने सुना, भगवान का क्या है जन्म और कर्म बहुत ही दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम् नेति ममेतु सर्वजन। माने भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म और कर्म बहुत ही दिव्य है, साधारण नहीं है, दिखता साधारण है लेकिन है नहीं। अगर कोई इस बात को तत्वतः अगर कोई जान गया तो वो पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम इससे निकल जाएगा। अभी कृष्ण अजन्मा होते हुए भी जन्म ले लेते हैं, इस धराधाम में आते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, वो क्यों करी, क्या कारण है? कृष्ण ने जन्म तो लिया, कृष्ण के आने के बहुत कारण होते हैं, जिसको हमारे आचार्य व्रत कहते हैं, एक काम करना प्रभु करे पांच साल। भगवान कोई कार्य करते हैं ना उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं, एक क्रिया एक होती लेकिन बहुत सारे कारण उसमें सिद्ध हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें सिद्ध हो जाती है। तो ये कथा आती है, अभी पहला कारण भगवान के आने का पहला कारण कथा सतयुग की, जो हमने कल सुना किस प्रकार वामन देव जी ने अवतार लिया था, है ना, अदिति ने पयोव्रत रखा जिससे वामन देव स्वयं भगवान वामन देव बन करके उनके घर में आए, और आप कथा तो आप सब जानते हैं। लेकिन जब वामन देव भिक्षा करने के लिए बलि महाराज के वहां पे पहुंचे, उनका स्वभाव अगर वो यज्ञ पूरा कर लेंगे तो इंद्र को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, और भगवान इंद्र की तरफ से वहां पर क्या मांगने जा रहे हैं, भिक्षा मांगने जा रहे हैं।
जब भिक्षा मांगने भगवान वहां पर गए हैं तो भगवान को बड़ा सुंदर वो जो बामन रूप है, एक सुंदर ब्राह्मण और चेहरे से अलौकिक तेज, उसको देख करके सब लोग मोहित हो रहे उनके ऊपर में, कितना सुंदर बालक। वहां बलि की एक बहन भी थी, है बेटी थी, बेटी बलि की बेटी, उसका नाम था रत्नमाला। वो रत्नमाला ने जब देखा इतना सुंदर बालक, इस बालक को तो मैं, अगर मेरा ऐसा बालक होता ना तो क्या करती इस बालक को, इस बालक को मैं दूध पिलाती, अपना स्तन पान कराती, इसको बहुत प्रेम करती, अपना वात्सल्य रस इसको दिखाती, इतना सुंदर वो बालक। लेकिन वही बालक थोड़ी देर में बलि महाराज से संकल्प करवा करके और एक क्षण में इतना विकार विराट त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया और दो पल में उसके जो पिता है उसको कंगाल कर दिया। कंगाल क्या किया, माला माल कर दिया, लेकिन देखने से क्या लगा, कंगाल कर दिया। जब ये देखा ना तो वो जो लड़की थी वो बोली कि पिता से तो एक तो पहले वचन ले लिया, दो पग भूमि मांगी और ऊपर से पूरी की पूरी पूरा पूरा राज्य ले लिया और ऊपर से नागपाश में बांध भी दिया। अगर ऐसा मेरा पुत्र होता ना, अगर बाई चांस अगर हो जाता तो उसको दूध दूध क्या पिलाती, तो मैं भयंकर कालकूट ऐसा जहर पिलाती हूँ, पता चल जाता। और भगवान देखो कितने दयालु, कितने दयालु भगवान ने उसकी दोनों इच्छा पूरी कर दी, दोनों इच्छा पूरी कर दी। उसके बच्चे रूप में भी गए, वही जो स्त्री थी वो कृष्ण लीला में क्या बन करके आई है, रत्नमाला, उतना सुबह गाते ना, उतना घाटना कैटव सातना जय दशरथि रामा, पुतनामा हो गई कि नहीं हो गई, वही रत्नमाला किस रूप में आई है, पुतना के रूप में। और दोनों ही कार्य हुए, भगवान उसके बालक रूप बन करके वात्सल्य जैसे चले भी गए और उसको उसने कालकूट जहर जो बोला था पिलाऊंगी वो भी भगवान ने पान किया। और कौन सी गति दे दी, धात्रोचित गति, अपने धाम में जैसे दाई माँ होती है ना उस प्रकार की गति यशोदा माँ के अंदर में उनको वहां पे पुतना जी को मिल गई। उसको बोला अहो बगिया स्तन कार्य कूटम जी, मतलब सोचो कि जिसने अभिनय मात्र किया माँ बनने का उसको भगवान ने क्या गति दी। तो पहला कारण क्या हो गया, ये वाला, ये जो रत्नमाला थी उसको जो दो वचन दे दिए भगवान ने कहा पूर्ण किए हैं, कृष्ण। अभी दूसरा कारण, दूसरा कारण है अभी त्रेता का कारण हम सुनते हैं। त्रेता के अंदर दो चार कारण तो त्रेता युग के ही है। इसमें पहला कारण बताया जो जो ऋषि मुनि थे जो दंड कारण्य वन में भगवान का गोपाल मंत्र के द्वारा भगवान का ध्यान कर रहे थे और भगवान को प्रेमी के रूप में प्राप्त करना चाहते थे ना? और ये जो काम गाय थी इससे भगवान की वो आराधना कर रहे थे। लेकिन जब भगवान राम वहां पर पहुंचे दंड कारण्य वन में तो भगवान राम को देख करके वो जितने ऋषि मुनि थे तो बड़े आकर्षित हो गए, बहुत आकर्षित हो गए, क्योंकि राम और कृष्ण तो एक ही है ना। सिद्धांत तस्त्व भेदे अपि श्रेष्ठ कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूप मेषां रसस्थित। माने ये जो भगवान के जितने भी अवतार आदि हैं इनमें सिद्धांततः तत्वतः कोई भेद नहीं है, केवल भेद किसमें है, रस में, केवल रसगत भेद है, बाकी तत्वतः तो सभी भगवान है, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। उनको देख करके सभी लोग बोले अरे जिन प्रभु की तुम आराधना कर रहे प्रभु वो आ गए, और सारे के सारे ऋषि अब उनको जो है प्रेमी के रूप में प्राप्त करना चाहते। लेकिन जो राम है वो कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो मर्यादा में बंधे हुए इस जगत के अंदर, कैसे एक पुत्र को होना चाहिए, पुत्र का आचरण कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, हा? एक शासक को कैसा होना चाहिए, पति को कैसा होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए, इस सब को जगत में दिखाने कौन आए, भगवान स्वयं राम रूप में आए और सारे जगत को ये शिक्षा दे रहे मर्यादा कैसे होनी चाहिए। अभी भगवान राम वहां पे कह रहे हैं कि इस अवतार में तो मैं आपको जो ये चाहते हो मैं पूर्ण नहीं कर सकता, तो आप जो है कृष्ण अवतार में सभी लोग आना, क्योंकि तो मैं कौन से रूप में आने वाला हूँ, लीला पुरुषोत्तम, उसमें सारी लीला में करूंगा, वहां पर आप लोग सभी गोपी बनकर के आना। तो ये दंड कारण्य के जितने भी ऋषि मुनि है ये सभी गोपियां बनकर के कृष्ण लीला में आए हैं, इसलिए इनका भी मनोवांछा पूर्ण करने के लिए भगवान यहाँ पर अवतार ले रहे थे। कितने कारण हो गए, ये दो कारण हो गए। अभी त्रेता के अंदर ही इसी रामलीला के अंदर एक और कथा आती है, वो कथा कैसी किस प्रकार है, जब राम और लक्ष्मण और वाल्मीकि जी के साथ में कहां पर गए हैं, वाल्मीकि नहीं विश्वामित्र जी के साथ में सीता जी के स्वयंवर में गए हैं जनकपुरी। जब जनकपुरी गए हैं तो राम एक दिन वहां पर पहुंच तो गए हैं, अभी स्वयंवर नहीं हुआ है, तो वहां पे राम और लक्ष्मण पूछते हैं, बोले गुरुदेव क्या हम
जनकपुरी घूम करके आए। हमने सुना है जनकपुरी का बड़ा ऐश्वर्य है, यद्यपि अयोध्या बहुत बड़ी नगरी है, बड़ी ऐश्वर्यवान, लेकिन फिर भी जनकपुरी का ऐश्वर्य अयोध्या से ज्यादा था। तो राम और लक्ष्मण पूछते गुरुदेव क्या हम जाएं जनकपुरी को दर्शन करने जाएं? तो गुरुदेव बोले राम, गुरु जी तो जानते हैं कि ये कौन है, राम जी कौन है। गुरु जी कहते तुम जाओ जनकपुरी का दर्शन करने नहीं, पूरे जनकपुर को आप दर्शन देने जाओ, अपना दर्शन जनकपुर वासियों को देने जाओ। जब भगवान राम वहां पर दर्शन करने गया, पूरे जनकपुर में हल्ला गुल्ला हो गया। क्या हल्ला हो गया? कि बड़े सुंदर दो सुकुमार आए हैं, राजा बड़े सुंदर है और वो पूरे जनकपुर में घूम रहे हैं। सारी स्त्रियां जो है वो झाक झाक करके छज्जों से, पहले तो ऐसे नहीं होता था, सब लोग बाहर निकलते, सब ऊपर से झाक झाक करके देख रहे हैं कि ये कौन सुंदर सुकुमार जा रहे। लेकिन राम कभी भी ये जो सिर को नीचा करके चलते, कभी भी नजर को उठा करके नहीं चलते। तुलसीदास जी भी ऐसे करके दिखा अपने जीवन, तुलसीदास जी भी कभी नजर को उठा करके ऊपर नहीं देखते थे, हमेशा दीनहीन रहते थे। इसलिए वो वाला जो है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे, सुना है ना? तो तिलक तो लगाया लेकिन शक्ल देखी नहीं, कौन सिर बिल्कुल नीचे, उन्हीं के तो भक्त है ना वो। तो तुलसीदास जी भी एकदम सिर से, राम जी भी शीश उठा करके ऊपर नहीं देखते, दिखाते कैसे हमें दीनहीन होना चाहिए। राम जी ऊपर नहीं देख रहे। और दूसरा कारण क्या है? ऊपर देखेंगे ये भी एक मर्यादा है, इधर उधर देख करके हमें नहीं चलना चाहिए, पता नहीं ये संसार में हमारी इंद्रियां कितनी प्रबल है, यहाँ भी ये शिक्षा है। राम जी ऊपर नहीं देख रहे, लेकिन लक्ष्मण जी जो है वो सब समझ रहे कि ये जितने भी जो स्त्रियां हैं ये सब राम को बिल्कुल सब पसंद कर रहे, सबको प्रेम हो रहा राम। अब वो सारी छाती ऊपर देखे, और ये लक्ष्मण जी कौन है? ये गुरु है, ये गुरु तत्व है, और वो शेष तो है ही, साथ ही साथ कौन है? वही गुरु तत्व है। अब वो तो गुरु जी का काम क्या होता है? भक्तों को भगवान से मिलाना। अब वो देखना तो चाहते ऊपर लेकिन नहीं देखा, तो फिर लक्ष्मण जी की कृपा से वो ऊपर में एक बार राम जी देखते, जिसको देख करके सारी स्त्रियां जो है वहां पर मूर्छित हो जाती, भगवान के रूप को देख करके, राम जी के रूप को देख करके। तो वहां पर वो सारी स्त्रियां जो है वो भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, प्रेमी रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो वो जो सारी जितनी जो है ये जनकपुरी की जो स्त्रियां हैं रमणीया, जो भगवान को प्रेम कर रही है, वो भी सब कृष्ण अवतार में गोपियां बनकर के आई है। एक कारण ये हो गया। भगवान गीता के अंदर एक श्लोक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कल गीता जयंती थी ना, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं संसार में क्यों आता हूँ? दो कारण बताए, परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्टनाम, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। हम तो यही सोचते हैं ना यदा यदा ही धर्म, लेकिन इसमें पहले बताया परित्राणाय साधुना, जो मेरे भक्त हैं उनको आनंदित, उनको आनंद देना मेरा प्रथम प्रयोजन, उनको आनंद देना है, उनको भांति भांति क्रियाओं के द्वारा उनके आनंद को वर्धन करना, उनके प्रेम को वर्धन करना, ये भगवान का मुख्य कारण है। और दूसरा कारण क्या है? विनाशाय च दुष्टनाम। अभी सोचो, देखो उदाहरण, उदाहरण स्वरूप देखो, नरसिंह भगवान आए, नरसिंह भगवान आए और एक क्षण उनको कितना टाइम लगा हिरण्यकश्यप को मारने में, वो प्रकट हुए खंभे से, प्रकट होकर के आए और दो मिनट में वो मच्छर के जैसे तो उधर भागा हिरण्यकश्यप, और थोड़े उसको फाड़ फोड़ के बराबर कर दिया। लेकिन उसके बाद में देखो प्रहलाद महाराज जी को कितना प्रेम कर रहे हैं, उसको चाट रहे हैं, क्योंकि कौन से रूप में है? नरसिंह रूप में। शेर अपने शावक को क्या करता है? चाट के प्रेम दिखाता है, और उसके माथों को सूंघ रहे हैं, को चाट रहे हैं, इतना प्रेम प्रहलाद महाराज जी से कर रहे हैं, और बोल रहे बेटा मैंने तो देर कर दी ना आने में। वो बोले नहीं प्रभु, आपने कहा देर करी, मैंने जिस समय सोचा उस समय प्रकट हो गए खंभे से। तो यहाँ पर कितना सुंदर सुंदर, और भी बहुत सारा वहाँ पे वृत्तांत है प्रहलाद जी की स्तुति, इतना कुछ वो कह रहे हैं प्रहलाद कुछ वर मांग लो। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बहुत जब उन्होंने दबाव डाला, नहीं मेरे तो दर्शन जो है वो फल देता ही देता है, कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। तो बोलते सारे जगत का दुख मेरे को दे दो, सारे जगत को भक्ति दे दो, इतनी श्रेष्ठ वस्तु प्रहलाद महाराज जी यहाँ पर मांग रहे हैं। इसलिए बताया वो जो हिरण्यकश्यप को मारना था वो छोटा सा कारण, लेकिन मुख्य कारण क्या है? भक्तों को आनंद देना। अभी कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला कितनी बड़ी लीला है। भगवान लोग मुख्य रूप से क्या बोलते, कंस का अत्याचार, किसका अत्याचार था? कंस का अत्याचार। अभी कंस को मारने में भगवान कितना टाइम लगा?
कितना टाइम लगा वो उसके वो सिंहासन पे उनका मलयुद्ध चल रहा था, मलयुद्ध में वो चाणु मुष्टिक को बस मार करके और ऊपर गए हैं, बस कंस को छुआ मात्र है, ऐसे किया है, मुक्का क्या मारा वो कंस मर गया, दो मिनट में मर गया कंस। वो बोले कि तुमने अपने मामा, बोले कि तुमने अपने मामा को मार दिया, बोले मैं कहा मामा को मारा, बोले मैं तो खेल रहा था मामा मर गए। इतने दो मिनट में कंस मर गया। लेकिन कृष्ण लीला तो देखो कितनी सुंदर है, उसमें गोपियों को भगवान आनंद दे रहे हैं, यज्ञ पत्नी, द्विज पत्नी, नाग कन्या, जितनी सुंदर कालिया पे नृत्य, ये सब किसको आनंद दे रहा है, भक्तों को आनंद दे रहा है। तो जो दुष्टों को मारना है वो कौन कारण है, मुख्य कारण क्या है, भक्तों को आनंदित करना, एक कारण ये हो गया। और कौन सा कारण था, हाँ स्वर्ण सीता, ये अच्छा याद रखना स्वर्ण सीता। जब भगवान राम जब वनवास से वापस आ गए, सीता जी और राम वहां पर बड़ा सुंदर राम राज्य स्थापित हो गया सारे जगत में, किसी प्रकार के पूरे में धूम मच गई, बोला राम राज्य आ गया है। राम राज्य की तो क्या महिमा है, जहाँ किसी प्रकार का शोक नहीं, अयोध्या जिस नगरी में किसी प्रकार का युद्ध नहीं, वो कौन सी नगरी है, अयोध्या, ऐसी नगरी अजीब। वहां पर जब राम सीता का जब वहां पे सिंहासन पे बैठ करके राज्य करने लगे, अपवाद, एक धोबी का अपवाद, क्या अपवाद, धोबी ने क्या बोल दिया अपनी स्त्री को, क्या बोला, वो किसी कारण से गई थी, रात होने पर नहीं आ पाई, वो नाविक के वहां पर रहने के बोला कि मैं राम नहीं, कि तू कहीं भी रहकर के आएगी और मैं तुझे रख दूंगा, बस इतनी सी बात को लेकर के। और ये राम जी की मर्यादा है, और राम जी ने जो है वहां पर सीता जी को दोबारा से वन में भेजा है, वहां वन में भेजा है, लेकिन वन में भेजने के बाद में सीता जी वन में रही है वाल्मीकि जी के आश्रम में। और जो जब कोई भी यज्ञ हवन आदि जैसे राजा लोग करते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, बहुत रासु यज्ञ करते हैं, यज्ञ आदि में जब भी वाम पाश में राजा की कौन होना चाहिए, रानी होनी चाहिए, उनकी धर्म पत्नी होनी चाहिए, है ना। लेकिन जब वो नहीं होती थी तो बोला क्या करें, तब वहां पर जो स्वर्ण सीता बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके वहां पर पूजा की जाती थी। तो वो जो स्वर्ण सीता जितनी भी बनी थी वो सबकी सब ये गोपियां बन कर गई, सबकी सब ये गोपियां बन कर गई। एक बार किसी ने प्रश्न किया कि YouTube के अंदर वहां पे प्रश्न किया कि राम जी ने तो सीता जी का त्याग कर दिया, सब लोग जानते हैं सीता तो पवित्र है, सीता जी का त्याग करके क्या स्त्रियों पे क्या अत्याचार कर दिया। एक मुसलमान व्यक्ति था उसने प्रश्न किया कि सीता जी तो हमें भी लग रहा, मैं मुसलमान हूँ, व्यक्ति क्या बोला, मैं मुसलमान हूँ और मैं खुद कह रहा हूँ सीता जी तो इतनी अच्छी है और सीता जी इतनी पवित्र है, सारा जगत जानता है, लेकिन देखो राम ने क्या करा, सीता जी का त्याग कर दिया। राम जी को नहीं पता क्या, राम जी कैसे हैं, सीता जी का त्याग कर दिया। तो वहां पर देखो उत्तर क्या दिया, वो किसी ने उत्तर दिया बहुत अच्छा उत्तर, उन्होंने बोला देखो राम जी ने सीता जी का त्याग किया, अब पता चलेगा किस कौन किसको ज्यादा प्रेम करता है। सीता जी तो चली गई, एक बार राम जी ने बोला सीता जी वनवास में, कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, किसी प्रकार का उल्टा जवाब नहीं, ये तो सीता जी की भी यहाँ पे उनका भी चरित्र है, अद्भुत चरित्र है सीता जी का। बताया राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, सारा का सारा इल्जाम किसके ऊपर आ गया, राम जी के ऊपर में, सारा का सारा अपवाद, सारा के सब लोग किसको दोषी मानते हैं, राम जी को। लेकिन महिमा किसकी बड़ी है, जब रामायण शुरू होती है ना, रामचरितमानस सुनोगे तो रामचरितमानस शुरू होती है राम जी की जय से शुरू होती, लेकिन अंत होते 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 सीता जी की जय बजाती की नहीं बजाती, सब लोगों का दिल किसके प्रति भावुक हो जाता है, सीता जी के प्रति हो जाता है, हो जाता है ना, क्या देखो आचरण है। लेकिन कब हुआ, जब राम जी ने ऐसा अपनी जो पूरी महिमा थी उसको घटा करके जिससे वो प्रेम करते उसकी महिमा को बढ़ा दिया, वही ये उत्तर दिया, बोला ये तेरे जैसा मुसलमान भी आज सीता जी के चरणों में इतनी श्रद्धा रखता है, ये सब करता है, ये सब किसके कारण है, सब राम जी के कारण, ये राम जी का प्रेम है कि अपने आप को मिटा करके भी अपने भक्तों की महिमा हमेशा बढ़ा देते हैं, और भक्त क्या करते हैं, भगवान की महिमा को बढ़ा देते हैं। तो एक कारण क्या है, ये जो स्वर्ण सीता है ये सारी की सारी बनकर के आई है, गोपियां और श्रुतिचरी और बहुत सारे कारण है, मेरे को जितने कारण याद है इतना बोल करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जोर से बोला बलसी वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की, बोले श्री गोविंद भगवान की, निताई गौर ब्रह्मानंदे। एक मिनट।
कीर्तन कर लो। बोले जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल, जय यशोदा दुलाल, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल, जय यशोदा दुलाल, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। त्रित कमलाकुश मंडल धृत कुंडल हे, त्रित कमलाकुश मंडल धृत कुंडल हे, कलिता ललिता वनमाला, कलिता ललिता वनमाला, जय जय देव हरे। कलिता ललिता वनमाला, जय जय देव हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, 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 हरि बोल 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 हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण, हम लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे, कृष्ण अजन्मा होते हुए भी उन्होंने जन्म
जगत में क्यों लिया है। अब इसी विषय पर हम श्रवण कर रहे थे, गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए है, वहाँ कृष्ण जन्म नहीं हुए, कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, इसलिए आनंद किसका भयो है, बोले नंद को आनंद भयो है, इसलिए कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए और कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं। अभी कृष्ण जो गोकुल में जन्म हुए, अगर भागवत ग्रंथों को अगर कोई डायरेक्ट पढ़ेगा ना, अगर उनको पूछो भैया कृष्ण कहाँ जन्म हुए, बोलो कहाँ कृष्ण जन्म हुए, अरे बोलो तुम लोग तो अभी सुन लिया हो, इसलिए अगर साधारण लोगों को पूछोगे कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, सबके सब एक ही बात बताएंगे कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, लेकिन कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं हुए। अब लोगों ने बच्चा जन्म दिए हो, कौन कौन बच्चे जन्म दिए, हाथ उठाओ तो, सबके सब बच्चे जन्म दिए हो, लेकिन जब बच्चे जन्म होता है कैसे बच्चा जन्म होता है, इसलिए मथुरा में जब कृष्ण प्रकट हुए जन्म नहीं हुए, उन्होंने चतुर्भुज धारण किया, शंख चक्र गदा पद्म को लेकर के हैं, उन्होंने सारे पूर्व जन्म की बात बताई, पूर्व जन्म में तुम दोनों प्रश्नि और सुतपा थे, 12,000 साल तक पेड़ से जो पत्ते सूख करके गिर जाता था उसको खा खा करके तपस्या की, मैंने कहा वर मांगो, तुम दोनों ने ये वर मांगा था आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए, मैंने कहा मेरे जैसे तो कोई होता ही नहीं, मैं असमर्थ तत्व हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बेटा बन कर कहूँगा, इसलिए चतुर्भुज रूप में ठाकुर दर्शन दिए, फिर एक साधारण छोटा बच्चे बन गए, बच्चा ऐसे जन्म लेता है, बच्चा तो छोटा नन्हा मुन्ना होता है, अब बच्चा जब जन्म लेता है, अब देखना माँ की पेट को साथ में उसका जो नाड़ होता है लगी हुई होती है, नाड़ को काटते हैं ना, क्या मथुरा में काटेगी, नाड़ काटी गई नहीं, कहाँ पर हुई, गोकुल में, इसलिए गुरुदेव कहते थे कोई भी ब्रजवासी ये बात कभी नहीं मानेगा कृष्ण मथुरा में जन्म हुए हैं, क्योंकि बड़ी बूढ़ी गोपियाँ ये नाड़ काटती हैं, बोले हमने आंखों से देखा मैया की गोद से बच्चा जन्म हुआ, अपना हाथों से हमने नाड़ काटी है, इसलिए नाड़ काट जाने से पहले जो दान होता है उसको अक्षय दान कहते हैं, इसलिए कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए और गोकुल में कृष्ण जन्म ग्रहण करते हैं। बोले कहीं क्या प्रमाण है, बोले भागवत में है, बोले कौन कहते हैं, बोले ब्रज गोपियाँ कहती हैं, ये गोपी गीत का जो पहला श्लोक अच्छे तरह से सुनो, अच्छे तरह सिद्धांत को समझो, कहते जयती ते धिकाम जन्मना ब्रज प्रयत ए दृक्षता देशुता अबका कोई धृता तब स्वान बिचे न थे। मैं गोपियां और राधा रानी कहती हैं जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, हे श्याम सुंदर जब से तुमने ये ब्रज वृंदावन में जन्म लिए हो तब से ब्रज का जो सौंदर्य माधुर्य बढ़ता गया है, इसलिए कृष्ण जन्म हुए कृष्ण गोकुल में। फिर जब गर्गाचार्य कृष्ण का नामकरण कर रहे हो तो त्रिकाल दृष्टा है वो सब जानते हैं, वो भी कहते हैं बोले नंद बाबा तुम्हारे जो बच्चा है ना, बोले प्राग अयम वसुदेवस्य कोचित जाता तत्तबात्मज, तुम्हारी ये जो बेटा है ये कभी वसुदेव का भी बेटा बना है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा। ये कौन कह रहे हैं, गर्गाचार्य। जब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का जन्म उत्सव को वर्णना करते हैं 18 श्लोक में, इसका जो पहला श्लोक है बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना, जब नंद की ये लाला भयो है कहते ये नंदस्तु आत्मज, नंद का ही बेटा है, इसलिए ब्रज में खूब जय जयकार हुआ, नंद बाबा इतने प्रसन्न, इतने नंद बाबा प्रसन्न हुए जिसका कोई सीमा नहीं, इसलिए कहते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कृष्ण कौन है, कहते पशु पांग जाय
पशु बा मतलब जो गैया को चराने वाले श्री नंद बाबा के ये कृष्णा ये बेटा। इसलिए भागवत में बहुत सारे श्लोक में जब कुंती मैया स्तुति करती हैं, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते कृष्ण कौन है, बोले नंद गोप कुमाराय, नंद बाबा का ही लाला है। इसलिए ऐसे जो गोविंद है, गोविंद को हम बारंबार श्री भगवान गोविंद भगवान की, इसलिए भागवत में बहुत सारी बात में बताएं। अभी हम सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए, कल तो मथुरा की कथा सुने थे। बोले श्री नंद बाबा का जो पिताजी, इनका नाम था परजन बाबा, इनके थे पांच बेटे, कौन कौन, बोले उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन। अभी पहले नियम होता था चार ही आश्रम होता था, देखो दंड को सुनो, पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ, उसके बाद में वानप्रस्थ, उसके बाद में सन्यासी, ये चार ही आश्रम होता था। पहले सबके सब गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, जब 25 साल पढ़ाई हो जाती थी गुरुदेव प्रश्न करते थे, बेटा बताओ अभी क्या करोगी, क्या तुम्हारी इच्छा है। अभी जिसकी मन में संसार की इच्छा है नहीं, जो गुरु गृह में पढ़ करके समझ गए ये जीवन ठाकुर जी बारंबार नहीं देते हैं, और ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर हमें प्राप्त होता है, इसलिए ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये चीज को जो समझ लेता ना, कहता था गुरुदेव हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं भगवान की भक्ति करते हुए संसार से उधार होकर के अपना घर में वापस चले जाए। लेकिन जो ये इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, संभाल नहीं पाते थे, गुरु जी कहते थे बेटा अभी जा घर में जाओ, घर में जा करके अपना वर्ण धर्म के अनुरूप तुम शादी करो। पहले तो ये लव मैरिज नहीं होता था, पहले पिता माता जहाँ ठीक कर देते थे वहीं पर ही शादी हो जाती थी, इसलिए देखना जिंदगी भर वहीं पर रहते थे, आनंद पूर्वक वहीं पर अपना जीवन को बिताए करते थे, हैं। इसलिए पहले ये नियम था। अब जो बड़े बूढ़ी हो, शादी का समय में पति को देखने के लिए गई थी, बेटा तुम्हें देखने के लिए आया था, नहीं देखने के लिए आया था, उस समय में परिवार जहाँ पर दे दिया वहीं पर चली जाती थी और आनंद से जीवन तुम्हारी बीत जाती थी। इसलिए शादी ऐसे करना और दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान की भक्ति करियो, भगवान की भजन करना। लेकिन कितने साल तक, बोले 50 साल तक, उसको ऊपर में नहीं। इसलिए 50 को बाद में अंक क्या आता है, एका बन बा बन चौ बन, बोले बन घर में नहीं। इसलिए बोले 50 हृदय बनम ब्रजित, 50 साल को बाद में निर्देश देता है वृंदावन जाओ, जिस काम के लिए ठाकुर जीवन दिया भजन के लिए भगवान की भजन करो। लेकिन अगर प्रभु का भक्ति नहीं करोगे ना, फिर 59 60 61 62 मतलब क्या, फिर सठिया बन जाओगे, तेरे से कुछ होने वाला फिर नहीं है। इसलिए बांस जब कच्चा होता है ना, उसको तो जिधर टेढ़ा करना टेढ़ा कर दो, और बांस जब पक जाता टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। इसलिए ज्यादा उम्र हो जाएगा ना, कमर टेढ़ी हो जाएगी, आंख में दिखेगी नहीं, कान में सुनाई नहीं पड़ेगी। इसलिए भजन कितने साल से करनी चाहिए, प्रहलाद महाराज कहते कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको 5 साल उम्र से ही प्रभु का भजन कर लेनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। बच्चों ने कहा क्यों, हम बड़े होकर भजन करेंगे 5 साल से क्यों, देखो प्रहलाद क्या कहते हैं, बोले तेरे पास कोई गारंटी कार्ड है क्या। अभी देखा ना कोरोना में कितने लोग मरे, तुमको पता है कितना लोग मर रहे हैं रोज रोज, कोई गारंटी दे सकता है इतना साल यहाँ से घर में पहुंच सकते, कोई बोल सकता है। हमने जो श्वास छोड़ा है दूसरा बार भी श्वास ले पाए, कोई बोल सकता है यहाँ पर, कोई नहीं बोल सकते हैं। इसलिए बोले निश्वास है नैव विश्वास कदारुद्ध भविष्यति, ये निश्वास में कोई विश्वास नहीं, कब ये निश्वास हमारी बंद हो जाएगी। फिर प्रहलाद बच्चे लोग कहते हैं अगर इसी जीवन में भजन नहीं होगा फिर हम अगली जीवन में भजन करेंगे। फिर प्रहलाद कहते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्मम, देखो बच्चों भगवान ये मानव शरीर बारंबार ठाकुर जी नहीं देते हैं, ये तो 84 लाख भ्रम के ये नरतनु दे, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार हमें ठाकुर जी ये मानव शरीर दिए, ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से बोलो
बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए समय रहते भगवान की भक्ति हमें कर लेनी चाहिए, ठाकुर जी की भक्ति है। इसलिए यहाँ पर श्री जब उनकी उम्र हो गया 50 हो गया 51 में पड़ेगा, बोले और घर में नहीं रहनी चाहिए, घर छोड़ करके चलो भगवान की भक्ति भक्ति करने के लिए चलते हैं, घर छोड़ करके प्रभु को भजन करने के लिए चलते हैं। इसलिए एक समय उन्होंने सारे बच्चों को बुलाए, देखो बच्चों हमारी उम्र हो गया 50 साल है, हम तो अभी 51 लगते ही हम चाहते वन में जाए और दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन करें, इसलिए अभी राज्यभार को संभालो, हम दोनों चलते हैं। बड़े बेटा को राज सिंहासन में बैठाना चाहता हूँ। बड़ा बेटा ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का मैं लायक नहीं हूँ। राजा बनने का लायक नंद है, क्योंकि नंद मतलब आनंद इति नंद, जो सबका आनंद दे। राजा का गुण क्या होनी चाहिए, सब प्रजाओं को अपना पुत्र बत देखे, ये राजा का गुण होनी चाहिए। केवल ये नंद बाबा को अंदर में सब लोग प्रसन्न हो गए, नंद बाबा को सिंहासन में बैठा करके अभी भजन करने के लिए चले गए। कौन? श्री परिजन बाबा चले गए। अभी सब बच्चों का तो संतान है लेकिन श्री नंद बाबा का घर में कोई संतान नहीं, इसलिए बड़े चिंता में पड़े हुए, भविष्यत में राज गद्दी को कौन संभालेगा। उन्होंने बहुत बार व्रत तपस्या उन्होंने बहुत कर ली लेकिन घर में जब बच्चा नहीं हुआ ना, अभी दोनों पति पत्नी सोच रहे हैं हमने तो सारे व्रत कर चुके हैं लेकिन एक व्रत अभी तक बाकी है। कौन सा व्रत है? ये पुत्रदा एकादशी अभी व्रत बाकी है। चलो अभी ये पुत्रदा एकादशी व्रत हम पहले करते हैं। पहले एकादशी कैसे करते थे? एकादशी से एक दिन पहले एक बार भोजन करते थे, रात को भोजन नहीं करते थे, दिन भर पूरा निर्जला रखते थे और दूसरे दिन टाइम के ठीक टाइम से ठीक व्रत को भोजन करते थे। मतलब पहला दिन एक बार, बीच में नहीं, दूसरे दिन भी एक दिन, ऐसे ये व्रत करते थे। जब उन्होंने व्रत करके जब उन्होंने सोए ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उनकी स्वप्न देखा, बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुटमसौ क्रीडांगमयम लोक्यते। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न करी करी सही हो जाता है। अभी दोनों स्वप्न देखकर दोनों का नींद खुल गई, दूध खोल गए। नंद बाबा ने बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखा, पहले आप बताओ क्या देखे। बोले मैंने देखा आकाश में बिजली चमकते हुए दो बालक, पहले तो एक श्याम रंग के उसको बाद में एक गौर रंग की, और ये दोनों ने मेरे हृदय में प्रवेश किया, और मेरे हृदय में प्रवेश करते हुए फिर तेरे हृदय में प्रवेश किया, और मैंने देखा तेरे गोद में एक श्याम सलोना सा सुंदर बालक तेरा दूध पान कर रहा है। करते करते दोनों धार से दूध बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं देखा, देखा सचमुच तेरे गोद में के बालक है। मैया बोले मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बताओ। बोले मैंने भी देखा मेरे पीछे पीछे एक सुंदर श्याम रंग का बालक माँ 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 करते करते पीछे पीछे कपड़े पकड़ करके कहते मेरे को गोद में ले ले, मेरे को दूध पिला ले। वो मचल रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से कोई एक बालक लगा। और उसी रात को ही मैया गर्भधारण की। ए ब्रज में हल्ला हो गया, हमारे राजा जन्म लेने वाले हैं, नंद के लाला होने वालों है। बड़ी खुश हो गई और जितने गोपियां थी ना वो तो 6-6 महीना पहले 84 गज की लहंगा चुंदरी बड़े सुंदर अलंकार को बना करके रखे, और जितने पुरुष लोग थे धोती बगल बंदी पगड़ी बना करके रखे। नंद के लाला होगा तो हम पहन करके सबके सब हम बधाई देने के लिए जाएंगे। अभी पूरा ब्रज में जय जयकार हो रहा है। क्यों? भगवान कृष्ण स्वयं जन्म ग्रहण करने वाले। अभी गर्भ में जब बच्चा होता है एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का तात्पर्य यह है, गर्भ में अगर बच्चा है, अगर आप रामायण पढ़ो गीता पढ़ो भगवान की सुंदर सुंदर पिक्चर को देखो, आप जो देखोगे ना आपके गर्भ में कोई संस्कार पड़ेगा। अगर फिर बच्चा बड़ा तुम्हारी इतने सुंदर बच्चा जन्म लेगा, जन्म से ही पिता माता के आदेश को पालन करेगा, पिता माता के चरण छुएगा है। अगर उल्टा पुल्टा डिस्को ध्यान देखा तुमने, उल्टा पुल्टा पिक्चर देखोगे ना फिर तो बच्चा गुंडा बन करके आएगा।
बचपन में छोटा बोतल बड़ा होने पर बड़ा बोतल पकड़ेगा, अब बचपन में छोटा बंदूक और बड़े होने पर बड़ा बंदूक मिलेगा, हैं। इसलिए जिसको कहते हैं गर्भ संस्कार। अभी मैया जसोदा को बड़े सुंदर सुंदर रामायण की कथा सुनाते हैं, ठाकुर की प्यारी प्यारी कथा सुनाते हैं, ठाकुर को गीता भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनाया जाता है अभी मैया जसोदा को, इसलिए बड़ा संस्कारी बालक बच्चे जन्म हो। और गर्भ में बच्चा रहते समय माताओं को चटपटी चीज़ें अच्छी लगती है, नमकीन, खट्टा, मीठा। मैया यद्यपि जितेंद्रिय हैं, बोले मेरे तो खीर खाने की इच्छा कर रही, बड़े सुंदर खीर बनाए, ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगा कर मैया को खीर खिलाए। अभी मैया की एक बड़ी बूढ़ी बोली, बोले मैया लगता है तेरे गर्भ में कि बालक होने वाले। बोले पता कैसे चला? बोले तेरे जो होठ है ना, वो पीला पीला दिख रहे हैं, इसका लक्षण कह रहे हैं। अगर होठ अगर पीला पीला हो, समझनी चाहिए बेटा जन्म लेने वाले। एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोली, क्या तुम्हारी तुमने कुंवारी पड़े में जुड़े में केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले लगता है तेरे पेट में दो बच्चे होने वाले। वो तो डर गई, पहला बार बच्चा होगा, दो दो बच्चे, तो डर गई। बोले डरने का कोई बात नहीं, राम जो करेगा अच्छो करेगा, कोई चिंता मत करो। सचमुच से अभी कृष्ण जन्म ग्रहण करने वाले, ऐसे लग रहा था आज रात को ही बच्चा का जन्म हो जाएगा, ऐसे कुछ लक्षण दिख रहा था, हैं। बोले देखो रात दिन में गांव में तो क्या होता था, 8 बजे तक सब जगे रहते, खा पी कर फिर सो जाते हैं। बोले उसको बाद में दो दो घंटा ड्यूटी लगवा दो, हैं, पता नहीं कब बच्चे जन्म नहीं हो जाए, इसलिए सबको दो दो घंटा चिमटा ढोलकी मजरा दे दिए। बोले 10 से 12 बजे तक, 8 से 10 बजे तक कीर्तन करो, सबके सब कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी गिरिधारी की जय बनवारी की जय गिरिधारी की जय बनवारी की जय बोल कुंज बिहारी की जय 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 बोल कुंज बिहारी की जय जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी। अभी सब के सब कीर्तन कर रहे थे, अब विशेष करके आकाश में जो काला मेघ छा जाए, चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। बोले कौन कौन? बोले पहला नंबर किसान। बोले किसान क्यों खुश होता है? किसान खेती किया, अगर बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? खेती खत्म हो जाएगी। कहते यहाँ पर काला मेघ कौन? बोले कृष्ण। बोले यहाँ पर किसान कौन? बोले पितामह ब्रह्मा। ब्रह्मा जगत को उन्होंने सृष्टि किया, ब्रह्मा जी। क्या हो रहा है? बड़े बड़े राक्षस दैत्य लोग आकर के पृथ्वी के ऊपर में बड़े अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी बड़े दुखी। मैंने तो खेती की, जीव को तो सृष्टि किया, लेकिन राक्षस दैत्य लोग आकर के बड़े उत्पात मचा रहे हैं, इसलिए। लेकिन जब आकाश में काला में मतलब कृष्ण आ गए, जब कृष्ण आ गए, कृष्ण प्रतिज्ञा किया कि परित्राण आय साधु नाम बिना साय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। मैं युग युग में जन्म ग्रहण करके बोले गो पृथ्वी स्त्री इनको ऊपर में साधु को ऊपर जब अत्याचार होता है, मैं आ करके दुष्टों को विनाश करता हूँ, संतों को मैं पालन करता हूँ, इसलिए पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। बोले दूसरा व्यक्ति कौन खुश होता? बोले मोर। जब रिमझिम बारिश ही होना, आकाश में काला मेघ छा जाए, देखना मोर पंख खोल करके बड़े सुंदर नृत्य करता है।
बोले यहाँ पर नीलकंठ कौन है? बोले श्री भोले बाबा श्री नीलकंठ। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले क्यों खुश हो गए? बोले वृंदावन में जो नंदीश्वर पर्वत जो नंदगाम रूप में शंकर स्वयं प्रकट हुए। अभी ठाकुर जी जन्म होने पर शंकर जी हम अभी श्रवण करेंगे कैसे श्री शंकर जी प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए भोले बाबा प्रसन्न हो गए कृष्ण जन्म लेके देख करके। तीसरा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता है? बोले चातक, एक चिड़िया है वो किसी नदी का पानी किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, हैं वो पीता है स्वाधि नक्षत्र का पानी, इसलिए हर समय वो प्यास आम करता है। कहते ये लोग कौन है? बोले भक्त नारद आदि जितने भक्त वृंद, ये लोग क्या करते हैं? कृष्ण कथा कृष्ण लीलाओं को दर्शन करने के लिए ये नारद आदि जन्म ग्रहण किए। बोले ठाकुर अभी जन्म लेने वाले बास ठाकुर की सुंदर सुंदर लीलाओं को हम दर्शन करेंगे। बोले चौथा व्यक्ति प्रसन्न होता है दावा नले में दग्ध हाथी। जब जंगल में आग लग जाए वहां पर फायर ब्रिगेड काम नहीं करता है, जगत का जंगल का आग कब बुझेगा? जब आकाश में काला मेघ छा जाए एकदम धूमधड़ का बारिश ही होना तभी ये जंगल का आग तभी बुझेगी हैं। यहाँ पर इंद्र चंद्र जितने देवता इनको ऊपर में बड़ी अत्याचार हो रहा था, ये सबके सब देखा जब भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले आकाश में काला मेघ छा गई सारे देवता भी प्रसन्न होकर के बोले सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण अस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सारे देवता लोग जय जयकार कर रहे थे ठाकुर जी जन्म ग्रहण करने वाले ठाकुर जी। इसी समय में अभी 10 बजे तक जिनके ड्यूटी लगाए हो तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय की, लेकिन 10-12 बजे तक जब जिनको ड्यूटी है जोग माया आकर के सबको सुला दी, कहाँ चिमटा गिरा कहाँ ढोलकी गिरी कहाँ मजिरा किसको पता नहीं, सब बेहोश होकर पड़े हुए। पता नहीं कब श्री वसुदेव महाराज मथुरा से कृष्ण को कब लेकर के आई और मैया ने 2 बच्चा जन्म दिया। कितने बच्चे? 2। एक कृष्ण और एक जोग माया है, 2 बच्चे जन्म दिया मथुरा से वसुदेव महाराज को भी कृष्ण को लाए। अभी कृष्ण कितने हो गए? 2। फिर एक कृष्ण गया कहाँ? एक कृष्ण कहाँ गए? इसलिए यहाँ पर श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं रुद्र जामल ग्रंथ में, बोले शंकर जी कहते पार्वती मैंने ये बात को देखा है। बोले जसोदा आनंद पत्नी च सुसुभाते समम तदा, शंकर जी कहते पार्वती मैंने देखा है मैया जसोदा ने 2 बालक जन्म लिया है, एक कृष्ण एक जोग माया। फिर एक कृष्ण कहाँ गए? बोले जैसे आकाश में बिजली चमकती है ऐसे ही जो गोकुल में जो कृष्ण जन्म हुई वो पूर्ण कृष्ण, मथुरा में जो कृष्ण वो अंश कृष्ण, वो अंश कृष्ण को ये पूर्ण कृष्ण अपना शरीर में मिला लिया। लेकिन ये बात किसको पता नहीं चला, लेकिन वसुदेव महाराज क्या सोचते हैं? लाला मेरे है, और नंद बाबा क्या सोचते हैं? लाला मेरे है, दोनों का ही लाला है, ये दोनों को लाला है पूर्ण रूप में गोकुल में अंश रूप में ये मथुरा में प्रकट हुए है। बोले श्री नंद के लाला की जय। अभी सबके सब सोए पड़े हुए, लेकिन नंद बाबा की जो बहनी थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो तो 6 महीना से ही आकर घर में गाड़ कर बैठ गई। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती हुई, जब भाभी का बच्चा होगा ना मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी, इसलिए वो 6 महीना पहले से आकर घर में बैठी गई और घर का सारे काम काज वो कर रही है, और इसलिए इसी चक्कर में उसको नींद नहीं आ रही है कब बालक जन्म लेगा और मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। सबसे पहले इसकी नींद खुली,
पर सबके सब सोए पड़े हुए, भाभी का क्या हालत है? वो दरवाजा खोल करके देखा, मैया की गोद में एक श्याम सुंदर बालक किलकार मारते हुए खेल रहा है और मैया सोए हुए। आप लोगों ने बच्चा जन्म दिए हो? बच्चे जन्म दिए कि नहीं आप लोगों ने? एक 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 कोई बेटी गर्भवती थी, वो अपना माँ को कह रही, बोले मैया मैंने जब बच्चा जन्म लूंगा ना, मेरे को अगर सोया हुआ होगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मेरे को जगा देना। वो बेटी कह रही है माँ को, माँ कहती है तुम्हें जगाने की जरूरत नहीं, तुम पूरा अड़ोसी पड़ोसी को तुम जगा दोगे। हाँ, इसलिए अभी यहाँ प्रश्न होता है, मैया जसोदा ने बच्चा जन्म दिया, तब बच्चा जन्म दिया तो मैया को पता कैसे नहीं चला? देखो यहाँ पर कौन जन्म हुए, यहाँ पर ठाकुर जी जन्म हुए। जब साधारण बच्चा कोई जन्म होता है उसमें प्रसव की यंत्रणा वेदना होती है, हैं? लेकिन जब ठाकुर जी जन्म हुए स्वयं परम ब्रह्म आनंद कंद, इसलिए मैया को ना थोड़ी सी मीठी मीठी सी दर्द कुछ पता चला, उनको लगा जैसे कोई बच्चा जन्म हुआ है, लेकिन कितने बच्चा जन्म क्या हुआ उनको कुछ पता नहीं चला। मैया तो एकदम मैया सो रही है, लेकिन कृष्ण गोद में किलकार मारते हुए कृष्ण खेल रहे हैं। देखा तो कृष्ण किलकार मारते हुए खेल रहे हैं और सुनंदा बोली, ये सबसे पहला खबर किसको? नंद बाबा को देनी चाहिए, फिर मेरे को नवला की हार मिलेगी। बोले नंद बाबा है कहाँ, ढूंढो। और ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे, देखा नंद बाबा तो माला लेकर के हरे कृष्ण कर रहे हैं। वो जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब होएगा, लाला कब होएगा घर में, लाला कब, क्योंकि बुढ़ापा में ना बेटा कितने तपस्या, भविष्य में कोई राजा है ही नहीं होने वाले, वो तो चिंता कर रहे थे घर, बेटा 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 कब हो गया, यही सोच रहे थे, बेटा बेटा बेटा, छोरा 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 छोरा। इतने में बहनी आ गई सुनंदा, बोले भैया कमाल है गये हो, ए इतना जो बोले ना नंद बाबा तो छलांग लगा दियो। बोले बहनी कहाँ भयो है? बहनी बोले 6 महीना से घर में बैठी हूँ, हैं घर का सारे काम काज मैं कर रही हूँ, हैं बताओ पहले क्या दोगे? बोले दे नवला की हार ले ले तू। बोले भैया बात बहुत बड़ी बात, और क्या दोगे? बोले नवला की हार दे दिया ना, नवला की हार है। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी, और नवला की हार उसको सामने कुछ भी नहीं। बोले ठीक है, वो यमुना किनारे में जो गैया चरते है ना, वो जितने जमीनी जगह तेरे नाम पर लिखा दिया। बोले और क्या दोगे? बोले दे दिया ना पूरा जमीनी जगह। बोले भैया बात भी बहुत बड़ी है, और दिया और क्या दोगे? बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी काट, तू ले ले, तू बता घर में कहा भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। हर नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए, जितने बड़े बूढ़े थे बोले नंद बाबा अभी घर में स्वागत करने के लिए सारे ब्रजवासी तुम्हारे घर में आएंगे, और अरे कम से कम थोड़ा सज धज करके जा। तो उनको सुंदर बगल बंधी धोती टोपी, उनको पगड़ी बांध दिए, सुंदर उनको तिलक लगा दिए, गले में सुंदर फूलों की माला डाल करके बोले जा अभी जा करके लाला का दर्शन करो। जब नंद बाबा लाला का मुख दर्शन किया, इतने प्रसन्न नंद बाबा हुए, उन्होंने संकल्प कर लिया मैं तो ब्राह्मण को 20 लाख गैया दान दूंगा। 7 तिल का पर्वत, बड़ा ये तिल दान की बड़े महत्व है, 7 तिल पर्वत मखमल बल कपड़े से ओढ़ा करके ये ब्राह्मण को मैं दान दूंगा। इतने प्रसन्न हुए, बोले पहले संतों को बुलाओ, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से ये बूढ़े उम्र में मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है। सारे संतों को बुलाए, संत लोग आकर के उनको बड़े सुंदर स्वस्ति वाचन पढ़ते हुए लाला को सबके सब आशीर्वाद दिए है। बोले नाई को बोल दिया जा पूरा ढिंडरा पिटवा दे, पूरा गोकुल में नंद बाबा के घर में लाला भयो है, सबके सब बधाई देने के लिए आई। हर गोपियां तो 6-6 महीना पहले 84-84 गज लहंगा चुंदरी बना कर रखी, बड़े सुंदर चुंदरी लहंगा पहनी करके सारा श्रृंगार हैं सोने चांदी की बड़े श्रृंगार करते हुए सबके सब दूध दही मक्खन लेकर के, और जितने ब्रजवासी धोती बगलबंधी टोपी पहन करके पगड़ी बांध करके सबके सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं। आते समय श्री सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णना करते हैं, गोप्य समिष्ट मणि को डल निष्क कंठ
पीताम्बराच्युत, तो बड़ा सुंदर वर्णना करते हैं। गोपियां कान में बड़ी बड़ी कुंडल पहनी रखी थी, वो कुंडल तो जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, पहले हम लाला को पहले बधाई दे। और जो चोटी में सुंदर सुंदर फूलों के श्रृंगार कर रखी थी, हैं, दक्षिण देश में जाओगे ना हर स्त्रियां शाम को देखोगे अपना चोटी में फूलों की माला से श्रृंगार करती हैं। एक एक फूल गिरते गिरते इनके चरणों के ऊपर गिर रहा था। बोले क्यों? बोले जो कृष्ण को बधाई देने जा रही हैं उनके चरण की हमें पूजा करनी चाहिए। बोले और कारण बताए? बोले अगर इनकी चोटी में रहेंगे तो फिर गंगा नदी में बहा देंगे, अगर ये ब्रज रज में मिल जाएंगे, कृष्ण जब बड़े होकर के गली गलियों में ठुमक ठुमक करके चलेंगे, कृष्ण का चरण का धूल हमें प्राप्त होगा। इसलिए सबके सब नीचे सबके सब गिर रहे थे। आ करके जितने गोपियां थी सबके सब ब्रज मैया, जितने गोप लोग थे सबके सब श्री नंद बाबा को, और जितने गोपियां थी मैया जशोदा को बधाई दे रहे थे। देखो मैं बोलूँगा मैया जशोदा बधाई हो, आप जितने माताएं हैं ना, भाई लोगों ने, आप जितने माताएं हैं सबके बोलना बधाई हो बधाई हो, ठीक है ना। इसको बाद में फिर भैयाओं का नंबर आएगा, ठीक है। अब देखें किसने कितना जोर है, ताकत है, ठीक है। बोले मैया जशोदा बधाई हो, आनंद नहीं आया, पीछे लोग तो चुपचाप बैठे। हाँ और थोड़ा जोर जोर लगा करके बोलो, बोले मैया जशोदा बधाई हो। मैया बोली बधाई हो बधाई हो। बोले तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो। ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम सब लोगों को लाला है। और जितने माताएं थी ना लाला को हृदय से बधाई दे रही थी। बोले जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, आ जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो री मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, तेरो मैया तेरो ललना, रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना, रही जय जय कार नंदगर लाला आयो रे, लाला जायो रे नंदगर लाला जायो रे, लाला जायो रे नंदगर लाला जायो रे, ब्रज में ब्रज में रहि जय जयकार नंदगर लाला जायो हे, झुंड झुंड नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल लावे, आ झुंड के झुंड नंद घर आवे,
अग्वाल बाल सब मिल जुल गावे ब्रह्मानंद आयो सबने पायो रे ब्रज में रही जय जय का नंद कर लाला जायो हे लाला जायो हे नंद कर लाला जायो हे ब्रज में रही जय जय कार नंद कर लाला जायो हे बचायो शिव ब्रह्मासन का दिखाए शिव ब्रह्मासन का दिखाए सप्तमी सब देव आए ब्रज में रही जय जय कार नंद कर लाला जायो रे ब्रज चौरासी क्रोश में भैया सब कहे धन जसोदा मैया सुत से जायो ब्रज में रही जय जय का नंद कर लाला जायो लाला जायो हे नंद कर लाला जायो हे ब्रज में रही जय जय का जायो रे ब्रज में रही जय जय का नंद कर लाला जायो हे ब्रज नंद के लाला की बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की इसलिए जब श्री ब्रजवासियों ने जब मैया जसोदा बोली क्या बोली बोले मैया जसोदा तुम्हारी बधाई हो और गोपियों ने बोली बधाई हो और जितने सबके सब ब्रजवासी थे पुरुष लोग थे ये सबके सब नंद बाबा को भी बधाई दे रहे थे इसलिए हाँ देखो नंद बाबा की दल अभी तो गोपियों का दल हो गया अभी नंद बाबा की दल आ रहा है ध्यान से सुना जितने पुरुष लोग हैं हाँ इसलिए मैं बोलूँगा बधाई हो जोर से बोलना बधाई हो अभी जितने ब्रजवासी नंद बाबा को बोल रहे थे बोले नंद बाबा बधाई हो ये गोपियों को तो फेल कर दिए हाँ
माइक नहीं, बिना माइक बोले, बिना की बोलना ठीक कोई बात है, लेकिन तब भी अगर कृष्णा, अगर कृष्णा सुना, कृष्ण गोपियों में लड़ाई हो ना, राधा रानी जीतती है, कृष्णा हारते हैं, और राधा रानी का जीत में कृष्ण खुश होते हैं, अगर राधा रानी हार जाए ना कृष्ण भी दुखी हो जाते हैं, इसलिए वृंदावन में जाओ सब किसके नाम लेते हैं जोर से, बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए नंद बाबा सुन करके बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ पर हमारे श्री कवि कर्णपुर बड़ा सुंदर वर्णना करते हैं, अभी सारे ब्रजवासी आ गए, लेकिन अभी केवल दो व्यक्ति नहीं आए, कौन, वृषभानी महाराज और श्री कृतिका सुंदरी, ये राधा रानी की पिता माता, ये दोनों नहीं आए, सबके सब आ गए, ये दोनों आ जाए ना फिर उत्सव प्रारंभ होगा। देखते देखते श्री मैया कृतिका और श्री वृषभानी महाराज प्रवेश किए, जब उन्होंने प्रवेश किए, अभी जो मैया कृतिका थी वो जो रानी है मैया जसोदा की, श्री राधा रानी की ये पिताजी है, बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए दूध दही मक्खन लेकर के प्रवेश की, अभी प्रारंभ होगी, एक गोप ने क्या किया, एक डंडा लेकर के मटकी को जोर से मारे, मारते ही मटकी तो फूट गई, और दूध दही से कृतिका मैया स्नान कर ली, एक दधिक आदि होता है दही में हल्दी और घी मिला करके एक दूसरे के ऊपर लगाते, ये मंगलवाची है, वहां पर इतने कीच कीच मच गया दही की, सबके सब फिसल फिसल करके एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, सबके सब गिर रहे थे और बोल रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, आनंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो बोल, आनंद के आनंद भयो, सब सब नाच रहे थे गा रहे थे, इतने दूध दही लाए, नंद बाबा का जो आंगन राजा का है विशाल, पूरा दूध दही से भर गया, ऐसे लग रहा था जैसे एक खीर समुद्र प्रकट हो गया, सबके सब नाच रहे थे, लेकिन श्री नंद बाबा बैठ बैठ कर मटक मटक कर देख रहे थे, जितने ब्रजवासी थे नंदगांव और बरसाना के, बोले बाबा आज तेरे घर में लाला भयो, हम आकर के नाच रहे और तू यहाँ बैठ बैठ कर देख रहे हो, अरे कम से कम आज का दिन तो तू लाच ले, जोर जबरदस्ती पकड़ करके बीच में ले आए, जब ले आए नंद बाबा देखने में कैसे, बोले गौरव वर्ण के एकदम लंबे चौड़े, ठाकुर का पिता है ना, लंबे चौड़े सुंदर, कमर में बड़े सुंदर फेटे बांध करके रखे थे, फेटे की एक तरफ को नंदगांव के ब्रजवासी, दूसरे तरफ में बरसाना के ब्रजवासी, दोनों तरफ में पकड़ करके रखे, ऐसे लग रहा था एकदम बीच में ले आए, लग रहा था मानो यहाँ पर खीर समुद्र मंथन होने जा रहे हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे देवता दैत्य मिलकर कैसे लवण समुद्र को मंथन किया, देवता लोक रजोगुणी, दैत्य लोक तमोगुणी, और ये जो समुद्र मंथन में सबसे पहले कौन क्या निकला, हलाहल बीस, जिसको शंकर जी पान किए तो इनका नाम पड़ गया नीलकंठ, नाम पड़ गया बीस निकला, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कौन निकला, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लात महामना, यहाँ पर स्वयं आनंद कंद, आनंद स्वरूप कृष्ण स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला था, लेकिन यहाँ सुखदेव वर्णना करते हैं, हे परीक्षित रमा क्रीड़न अभूत नृप, नंद बाबा ने इतने धन दौलत हीरे जवाहरात तो बांट रहे थे, ब्राह्मण लोग गठली बांध बांध कर ले नहीं पा रहे थे, गठली की कोने से गिरते 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 जा रहा था, अली गलियों में सोने चांदी हीरे जवाहरात बिखर रहा था सबके सब, इतने उन्होंने दान दिए, कोई लेने वाले लास्ट में नहीं रह गए, सबके सब देने वाले हो गए, श्री कुबेर स्वयं आए थे, जिसको देख करके उनका सर भी झुक गया, बोले भगवान मेरे को झूठ मूठ का कुबेर बना दिया स्वर्ग का, आज नंद बाबा के पास भी इतना धन है, मेरे पास में भी इतना धन नहीं, यहाँ प्रश्न होता है इतना धन कहाँ से आया,
बोले यहाँ पर स्वयं किशोर जी जन्म हुए। कौन हुए? स्वयं राधा रानी प्रकट हो गई। प्रकट होकर के बोले मेरे प्रियतम का जन्म उत्सव में इतने बधाई हो, इतने दान दक्षिणा हो, जब तक दुनिया रहे तब तक याद रखते रहे कितने दान दक्षिणा मेरे प्रियतम की जन्म उत्सव में कितने दान दक्षिणा दिए हैं। कहते वहां पर स्वयं कौन आए थे? भोले बाबा भी आए थे, 33 करोड़ देवता आए थे उत्सव में। शंकर तो चक्कर में पड़ गए, बोले क्यों? नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान दिया। समझ रहे हो कितना गैया दिया? ये कोई साधारण बात है? सिंह को सोने में मढ़वा करके, खुर को चांद में मढ़वा करके 20 लाख गैया जहां दान दे रहे हैं, जो कि सोच भी नहीं सकते। शंकर तो चक्कर में पड़ गए, भैया मेरा भी जो मेरा बाहन वो भी बैल है नंदी, वो भी तो गैया जैसे ना देखने में, ऐसे हो ना हो गैया को देते देते भूल से मेरे बैल को अगर दान दे देंगे भैया, मैं फिर बैठ करके किसको ऊपर जाऊंगा। उन्होंने तो नंदी की पूछ को पकड़ कर खड़े हो गई, मेरे नंदी चले नहीं जाए। वहां पर मैया पार्वती भी, उनको अपना 2 बेटे को लेकर आए थे। उनको 2 बेटे कौन थे? गणेश और कार्तिक, दोनों थे। अभी तो मैया पार्वती डर गई, बोले क्यों? बोले हाथी घोड़ा पालकी, इतने उन्होंने हाथी घोड़े दान दिए। अभी सोच रही थी मैया पार्वती हाथी को देते देते, भैया मेरा बेटा भी तो गजानन हाथी का सर है ना, हो ना हो मेरे बेटे को अगर दान में चला गया तो फिर मेरे बेटा ही चला जाएगा। फिर अपना गणेश को गोद में लेकर चिपका करके जोर से खड़ी हुई थी, इसलिए सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो मेरो गोपाला, मेरो गोपाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब, जियो जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला। मतरों का ना मतरों का ना समझावे तो नंदा बुआ, समझावे तो नंदा बुआ, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पिली तेरी पगड़ी रंग काला। मतरों का ना हुआ हुआ, खीरी जल पिपुड़ी लड्डू पुआ, खीरी जल पिपुड़ी लड्डू पुआ, जसोमती धरिया नंद हुआ, जसोमती धरिया नंद हुआ, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, चरमर चरमर कर पलना, चरमर चरमर कर पलना, ब्रजवासी गाए जियो ललना, ब्रजवासी गाए जियो ललना, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पिली तेरी पगड़ी रंग काला।
आनंद के आनंद भयो आनंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की आरती गोरा पाल जय जय कन्हैया लाल की आरती गोरा पाल आनंद के आनंद भयो आनंद के आनंद भयो बल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी कृष्ण जब गोकुल में जन्म हुए ठाकुर जी, शंकर जी ने सोचा प्रभु का तो सारे अवतार मैंने देखा, लेकिन भगवान होकर के जब भूख लगे ठाकुर जी मांग नहीं पाते, रोते हैं ठाकुर जी, तब मैया को पता चलता लाला को भूख लगा, फिर मैया दूध पिलाती। अगर हम मच्छर काट रहा है ना ठाकुर, तभी मच्छर को भी भगा नहीं पाते हैं ठाकुर, ऐसी लीला कर रहे। इसलिए शंकर जी स्वयं बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए शंकर जी पहुंचे। शंकर जी का कितना सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर का नाम तो सुंदरम लेकिन ऊपर का बेस देखना बड़ा असुंदर है, हैं? गले में हड्डी की माला, सर्प लटक रहा है, सारा शरीर में बभूति रमाए हुए, जटा जूट धारण किए हुए, डंबर त्रिशूल पकड़ करके बड़े भयंकर रूप शंकर जी के हैं, हैं? शंकर जी के बड़े भयंकर रूप। कहते शंकर जी ये इतने भयंकर रूप क्यों धारण करते हैं? कहते शंकर जी वैष्णवा नाम जथा संभव, ये परम संत है, परम वैष्णव शंकर जी। जो वैष्णव लोग होते हैं ना, वो अपने आप को छपवाते नहीं, वो अपने आप को छुपाते हैं। ये शंकर का, ये वैष्णव का स्वभाव है, क्योंकि जानते हैं ना शंकर जी कहाँ रहते, ऊपर जा कहाँ बर्फ को परे रहते हैं, कैलाश को परे में। क्यों? ये लोग मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे भजन में, ये डिस्टर्ब नहीं करे, यहाँ पर मस्ती से भगवान की भजन करते रहूं, हैं? इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन छुपाने के लिए तो कोशिश की लेकिन छुपा नहीं सके। बोले क्यों? बोले शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी को पास में क्या है, बोलो कौन बोलेगा? हरि नाम है। और क्या है बोला? और क्या है? एक तो हरिनाम शंकर जी को पास में सबसे कीमती वस्तु और कौन सा है? हाँ, उनकी जटा में पतित पावनी माता गंगा है। बोले श्री गंगा देवी की, इसलिए जटा में शंकर जी गंगा को धारण कर रखे हैं, क्योंकि ठाकुर जी की ये चरणामृत ठाकुर जी की। कहते गले में ये सर्प की माला क्यों पहने हैं? बोले ये साधारण कोई सर्प नहीं, ये इनकी गुरु श्री अनंत देव शिक्षा देते हैं, अगर जीव गला की अगर माला बनानी, अलंकार रूप में धारण करना, तो गुरु जी को ही, गुरु जी के उपदेश को ही जीवन में अपना माला रूप में धारण करो, जिससे तुम्हारी संसार से मुक्ति तुमको मिल जाएगी। शरीर में कोई क्रीम, कोई पाउडर शरीर में, ये सब चीज शंकर जी नहीं लगाते हैं। शंकर जी क्या लगाते हैं? बोले बभूति। बोले कहाँ के पवित्र बभूति? बोले नहीं, कहते शमशान की बभूति। जगत को क्या शिक्षा देते हैं? बोले जिस शरीर में इतने क्रीम, ब्यूटी पार्लर में जाते हो, श्रृंगार करते हो, जानते हो शरीर का परिणाम दो हड्डी और कुछ नहीं, ये राख बनने वाले। इसलिए शंकर जी शमशान को पास में बैठे रहते हैं, क्या देखते हैं? सारा दुनिया को कंधे पर जब रखते हैं ना, सबको क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते हैं ना, बेटा जितना भजन किया तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया सब तुम छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए शंकर जी वहीं पर बैठ बैठ कर देखते हैं, इसलिए जानते हैं ये शरीर का परिणाम एक दिन राख होने वाले। इसलिए क्या करो? राम नाम सत्य है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले महामंत्र जय जप तमहेशा, महामंत्र जय जप तमहेशा, काशी मुख तीह तो उपदेशा, काशी मुख तीह तो उपदेशा, महामंत्र जय जप तमहेशा, महामंत्र जय जप तमहेशा। इसलिए शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी,
ये शंकर जी पंचमों में हर समय ठाकुर जी की नाम जप करते रहते, जानते संसार नश्वर है, संसार एक दिन नष्ट होने वाले हैं, इसलिए शंकर जी के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है, बेली चमेली नहीं, धदुरे और आकंद, जो पुष्प भगवान गोविंद देव को जो लगता है नहीं, जो जंगल में होता है, जो कोई नहीं लगाता, अपने आप होता है, बड़े जहरीले चीज। शंकर जी को बोले क्यों, शंकर जी कहते मैं तो गोविंद देव का सेवक हूँ, हैं बेली चमेली जूई सुंदर फूल तो मेरे प्रभु की सेवा में लगे, मैं सेवक हूँ, जंगल में अपने आप जो होगा वो चीज को मैं ग्रहण करूंगा, इसलिए वो चंदन नहीं लगाते, बोले चंदन तो गोविंद देव के लिए है, मेरे लिए ये चंदन नहीं है, हैं इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है। उन्होंने देखा ठाकुर का तो सारे लीला हमने देखा, लेकिन इनके बाल लीला दर्शन नहीं कर पाए। शंकर जी श्रृंगार करते हुए अलख निरंजन करते करते गोकुल में पहुंचे। जब गोकुल में पहुंचे इतने में कुछ दिन पहले पुतना को, हाँ पुतना पहले तो बड़ी सुंदर सधज करके आई थी, लेकिन निकली राक्षसी। नंद बाबा बोले देखो सावधान, एरे गरे व्यक्तियों के घर में और घुसने मत दिया करना, पता नहीं पुतना तो बड़ी सुंदर लड़झड़ श्रृंगार करके, लेकिन वो राक्षस निकली एकदम कड़ी पहरादार वहां पर। इतने में शंकर जी आए, आकर के एक वहां पर दासी थी, शंकर जी ने कहा मैंने सुना नंदक एक लाला भयो है, वो गोपी कहती है लाला भयो तो तेरा कहा भयो है, बोले लाला का थोड़ा दर्शन करा तो, बोले बाबा कुछ देर पहले पुतना आ गई थी, वो तो इतने सुंदरी बन करके आई थी, लग रहा था जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी ठाकुर को स्वागत करने के लिए आई, लेकिन निकली राक्षसी, लेकिन तेरे को तो देखते ही मेरा जी घबरा रहा है, हाँ इसलिए भैया लाला का दर्शन नहीं होगा, बोले एक बार दर्शन करा दो। उन्होंने मैया जसोदा को बुला करके लाई, बोले बाबा कहाँ से आए तू देख करके आ। मैया तो देख कर डर गई, बोले बाबा कहाँ बात है, बोले मैंने बड़े दूर से आए हो है इसलिए थोड़ा लाला को दर्शन करा तो बढ़िया आशीर्वाद दूंगा तेरे लाला को। बोले आशीर्वाद तो बाद में दोगे, पहले तो दर्शन करोगे ना, मेरे लाला को ऊपर बड़ी जल्दी नजर लग जाता है, कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, किसी तरह से बच गया नारायण कृपासु, और तू देखने में तो बेच लग रहे हो, इसलिए लाला को दर्शन नहीं होगा। बोले यहीं पर मैं त्रिशूल गाड़ करके बैठ जाऊंगा, जब तक दर्शन नहीं दोगे ना यहाँ से जाने वाला नहीं, धुन रमा कर बैठूंगा। बोले मेरे चार दरवाजा, तू यहीं पर बैठ रहे दूसरे दरवाजे से निकाल लूंगी। बोले मेरा चार रूप है, जिस दरवाजे से निकालोगे उसी दरवाजे से दर्शन करूंगा। बोले मेरे 11 दरवाजा, बोले 11 रूप मेरे भी है, 11 रुद्र है मैं, इसलिए मैं 11 दरवाजे में बैठ जाऊंगा। इतने में उन्होंने कृष्ण को लेकर छुपा करके, उन्होंने छुपा दी, जब छुपा दी शंकर जी वहीं पर बैठ करके ठाकुर का स्मरण किया, ठाकुर जी आपके सारे लीला मैंने दर्शन की, लेकिन बाल गोपाल लीला मैंने दर्शन नहीं किया, एक झलक दर्शन दे दे। प्रभु बड़े भक्तवत्सल है, अभी शंकर जी को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी जोर जोर से रोना प्रारंभ की, मैया जितने थप थप लगाए उतना जोर जोर से रोई, पूरा परिवार दंग हो गए, बोले लाला को क्या हो गया, रोना बंद नहीं हो रहा है। एक गोपी ने बोली मैया जो बाबा ना वहीं पर बैठा हुआ आंख बंद करके लग रहा है वो कुछ जादू टोना कर रहे थे लाला को, इसलिए लाला यहाँ पर रो रहा है जोर जोर के, और वहां डम्बरू बजाना शुरू कर दिया शंकर जी, और कृष्ण जितने डम्बरू का आवाज सुनते उतना जोर से चिल्ला रहे, बोले देख रहे हो कैसे डम्बरू बजा रहा है। फिर मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा करके बड़ी कष्ट से लाई, बोले बाबा तू बड़ा ढीठ है, ले लाला को तू दर्शन कर। जब एक झलक दर्शन कराया इतने में तो कृष्ण खिलखिला करके हंसने लग गए और शंकर जी रोने लग गए। मैया बोली ये बाबा कुछ जानता है, लाला का रोना तो ले लिया और अपना हंसना दे दिया, कुछ जानते हैं, अगर माताओं को पता चले ना बाबा कुछ जानता है, हाथ देखना जानता है, सब घेर जाते हैं। बोले बाबा मेरे तरह हाथ देख ले, मेरे क्या होने वाले, सब घेर गए। बोले बाबा लगता है तो कुछ जानता है, बोले हाँ जानता हूँ। बोले मेरे लाला के ऊपर जल्दी देर नजर लग जाती है, कोई उपाय है? बोले एक काम करोगे ना कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब तेरे लाला को स्नान कराओगे वो स्नान का जो पानी चरणामृत है मेरे ऊपर में लाकर डाल देना। बोले बाबा ठीक कर दूंगा, और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे तो कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बोल दे। बोले लाला का जो भोजन कराओगे वो जो प्रसाद बच जाएगा मेरे को दे देना। बोले बाबा मैं दे दूंगा। अभी भी आप जाओगे नंदगांव में ना, जब ठाकुर जी का स्नान कराया जाता है वो चरणामृत सीधा शंकर जी के सर पर डालते। क्यों? चरणामृत गंगा है,
बामन देव का चरण से तो गंगा निकली ना, कृष्ण तो मूल है, इसलिए इनकी जो चरणामृत गंगा इसमें है, इसलिए शंकर जी को सबसे प्यारा ठाकुर जी की चरणामृत। आप लोग देखो जो कावेरे होते हैं ना, कावर क्या बोलते हैं, कावड़िया, कितना दूर से पानी ला करके शंकर के सब डालते हैं ना, क्यों, गंगा भगवान की चरणामृत है। दूसरा भगवान का प्रसाद, ठाकुर जी की प्रसाद है। ये शंकर जी कौन है, ये स्वयं हनुमान जी है। बोले राम रुद्र देह तेज नेह बस बानर भय हनुमान, शंकर ही प्रभु की सेवा के लिए उन्होंने स्वयं हनुमान बन करके आए हैं। फिर कलयुग में वही शंकर जी कलयुग में श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए और श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने जगत में अवतरण कराया। इसलिए शंकर जी के बगैर ठाकुर जी का कोई लीला नहीं होता है। इसलिए शंकर जी भगवान की परम भक्त हैं, इनकी आशीर्वाद से हमें भक्ति मिलता है। इसलिए कभी भी शंकर जी को डायरेक्ट भोग नहीं लगानी चाहिए, पहले गोविंद देव को कृष्ण को भोग लगाओ, वो प्रसाद भर शंकर जी को, पहले हनुमान जी को नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, लड्डू लेकर सवा मणि के लड्डू हनुमान का मुंह में ठूसते हैं, हनुमान खा, क्या हनुमान जी भूखे तेरे लड्डू खाएंगे, एक मणि क्या 100 मणि भी ले लो हनुमान जी देखेंगे नहीं उस तरफ में, क्योंकि जब तक प्रभु राम प्रसाद नहीं लेते हैं, मैया जानकी नहीं खाते हैं ना, तब तक हनुमान जी कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। पहले भगवान को खिलाओ, फिर उनको देने का जरूरत है, लपक कर खा लेंगे हनुमान जी। इसलिए शंकर जी बड़े कृपा करके अभी भी आप जाओगे नंदी नंदगांव में, जो पर्वत और कौन है, ये शंकर स्वयं, इसलिए वो पर्वत का नाम नंदीश्वर महादेव, ऊपर जा करके देखना वहाँ पर नंदीश्वर महादेव स्वयं शंकर जी पर्वत बने। वहाँ पर एक स्थान जोगिया कुंड, अभी भी शंकर जी वहीं पर बैठे ठाकुर का दर्शन करने के लिए। इसलिए शंकर जी से भक्ति प्रार्थना करना, ये गुरु जी है, इनके आशीर्वाद से हमें भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम मिलेगा। लेकिन शंकर जी को कभी भगवान मान करके पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको भक्त मान करके पूजा करनी चाहिए। बोले श्री भोले बाबा की, निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरि बोल। अभी पुतना है, पुतना आ गई, अभी पुतना कब आई, प्रभु जी कहाँ गए, हमारे पुतना कथा सुनाएंगे हमारे प्रभु जी। देखो पुतना कैसे आ रहे हैं, देखो अभी हम मथुरा में चलते हैं, जिस समय वसुदेव महाराज उन्होंने बेटे को रख करके बेटी ले आए, जेल में आते ही बेटी रोना प्रारंभ कर दी, पहरादार जग गई, कंस को खबर दे दिए, तेरे काल जन्म ले लिया, कंस भागते भागते आए, देखा बेटी नहीं वहां पर बेटा जन्म हुआ है, नहीं बेटा नहीं वहां पर बेटी। देवक ने बहु प्रार्थना की, तो मेरे 6-6 बच्चों को मार डाले, कम से कम एक बेटी तो दे दे, लेकिन कहाँ कंस मानने वाले। बोले आकाशवाणी हुई थी, अष्टम गर्भ का संतान तेरा काल बनेगा, लेकिन वहां पर बताया नहीं बेटी होगा ना बेटी होगा, ये बात नहीं बताया, केवल संतान की बात बताया। बोले क्यों, अगर बोल देता बेटा मारेगा कंस को संशय हो जाता, वो तो बेटा बताया तो ये बेटी कहां से आ गई, इसलिए केवल संतान की बात वहां पर बताई। जब उसने पकड़ा उसकी प्यार को, लेकिन अब तक तो थी जोग माया, लेकिन कंस तो राक्षस है, वो जोग माया को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, स्पर्श करते हो गई महामाया। जब पछाड़ने के लिए गया, इतने में चरण की एक ठोकर मारे तो कंस वहीं पर गिर पड़ा, आकाश में उड़ गई, अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए बोली, रे मूढ़ कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। देखा ये तो मेरी कुल देवी, ये कभी झूठ नहीं बोलेगी। फिर देवता लोग क्या मेरे साथ में बेईमानी की, बड़े दुखी हो गई, अपना बहन से माफी मांगी, मैंने बिना कारण के कारण तेरे बच्चों को मार डाले, ये देवता लोग भी धोखे देंगे, मेरे को क्या पता था, लेकिन उसको पता है मेरा बेटा तो गोकुल में है, गोकुल में। इतने में जब ये बात को बोले, अभी अपना मीटिंग किया सारे अघासुर बकासुर पुतना को लेकर के, बोले बताओ मुझे क्या करनी चाहिए, मेरे तो काल और कहीं जन्म ले लिया। पुतना खड़ी हो गई, बोले भैया कोई चिंता मत करो, मेरा नाम ही पुतना, पुतना मतलब क्या, पुतना, पुत मतलब पुत्र, नाम मतलब नहीं, जिसका पुत्र नहीं, मेरा नाम ही पुतना, फिर पुत्र का क्या काम है, अगर कहीं बच्चा जन्म लिया होगा 1 महीना को अंदर में ना, बोले हाँ, बोले मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ, 1 महीना में कहीं भी बच्चा जन्म लिया होगा ना, सब का मैं मार कर खत्म कर दूंगी। अभी हमारे प्रभु जी, प्रभु जी खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़े हो,
इसलिए हमारे प्रभु जी ये पुतना बद की कथा सुनाएंगे, ठाकुर जी कैसे पुतना कुमारे। देखो ये बच्चों को इसलिए हम खड़ा करते हैं, हम तो बूढ़े हो गए हाँ, इसलिए अब ये बच्चे लोग धीरे 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 सीख करके, ये बच्चे लोग धीरे धीरे कथा करके, बच्चे लोग बोलो उधर घूम जाओ। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पद्रव्यस्य कृपासिन्धुभ्यै। गर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विप्रतपाशकनककविसं वैजयन्तीं च मालम् रंध्रान वेणुरधर सुदयन पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविष्टा तद्गीत कीर्ति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। और एक बार बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अस्मदीय गुरुपाद पद्म परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सिद्धर गोसाई महाराज के भाई चरणारविंद अमर सिंह के बड़े प्रणाम पद ज्ञापन करते हैं, उनकी आयु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपरांत मेरे समस्त रूपानंद गौड़ीय परंपरा में गुरु परंपरा सभी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को नमस्ते, सभी संतों को सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। अभी गुरुजी श्री ठाकुर जी के पुतना उद्धार वध की लीला कथा श्रवण कराने के लिए आदेश दिया है। तो जब ठाकुर जी 6 दिन के हैं, अब जो नंद बाबा है इनको क्या करना पड़ता है, जो मथुरा का जो राजा है कंस उसको कर देने के लिए जाना पड़ता था। पर इस समय क्योंकि ठाकुर जी जन्म हुए उससे बाद ही चल रहा है, तो इसमें क्या है ना कि नंद बाबा इतना व्यस्त हो गए उनको पता ही नहीं चला कि कब कर देने का समय जो है वो क्या हो गया है, वो विलंब हो गया है। और नंद बाबा जो है सारे अपने पार्षद परिकरों को लेकर के जब ठाकुर जी 5 दिन के थे तो नंद बाबा कहाँ चले गए, गोकुल मथुरा चले गए। मथुरा में उन्होंने जल्दी जल्दी जाकर के कंस को कर दिया, वसुदेव महाराज के साथ वार्तालाप हुई और वसुदेव महाराज जी को तो पता है यहाँ से नंद जो है वो कंस जो है वो क्या कर रहा है, जो राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया है। मेरे दो दो बेटे वहां पे है ना, एक ठाकुर जी और एक दाऊ भैया, अब इन दोनों के ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए। अब कंस बाबा नंद बाबा को तो पता नहीं कि कंस ने राक्षस भेज रखा है, पता किसको है, वसुदेव महाराज जी को। इसीलिए जो घबराहट है वसुदेव महाराज जी को हो रहा है, वसुदेव महाराज सोच रहे हैं जल्दी जल्दी बाबा गोकुल चले जाए। अब बाबा जब वापस आते हैं गोकुल में, वहां पे क्या देखते हैं, देखते हैं उससे पहले पुतना वहां पे पहुंच चुका होता है। उससे पहले की बात हम उसमें आ रहे हैं, पुतना जो है नंद में गोकुल में पहुंच चुका होता है और वहां पे जो पुतना देखा कि यदि मैं अपना वास्तव स्वरूप में जाऊंगी तब क्या होगा कि जो लोग हैं ब्रजवासी मेरे को खदेड़ देंगे, अगर मैं सबको मारने जाऊंगी तो जो मुख्य जिसको मैं मारने के लिए जो कंस का काल है उसको छिपा देंगे, इसीलिए भलाई तो इसमें है कि भैया अपना जो वेश है उसको बदलाओ और ऐसा वेश बना के जाओ जाकि जो लोग आके अपने बच्चों को लाड़ करने के लिए मेरे गोद में दे दें। अब पुतना जो है बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके यशोदा मैया के आंगन में, सारे ब्रजवासी जितने भी ब्रजवासी थे वो देख करके सारे चकित हो रहे थे। हाँ ये ऐसा लग रहा था ये वैकुंठ की कोई पार्षद परिकर, कोई ठाकुर जी की सेविका हो या फिर जो इंद्रादि लोगों की कोई अफसरी हो है, इस प्रकार कोई बहुत बड़ा मान्य गण्य व्यक्ति आ गई है। तो सब लोग चकित हो रहे थे, मैया यशोदा भी देखी यदि ये देवताओं की गोद में जाए मेरा लाला जो है वो अमर बन जाएगा, दीर्घजीवी बनेगा। इस लोभ से मैया के आंगन में जिस समय पुतना पधारी तो मैया भी ठाकुर जी के लिए उन्होंने इशारा करी और पुतना जो है
अपने गोद में लाला को लेकर के क्या करने जा रहा है? अब उतना अपने पयोधर को जो है अपने स्तन को है ठाकुर जी के मुंह में दे रहे। वहां पे हमारे टीकाकर लोग बताते हैं जब ठाकुर जी उतना की स्तन को पान करने के लिए जा रहे हैं उतने में ठाकुर जी अपने आंखों को अपने नेत्रों को बंद कर देते हैं। कई सारे कारण यहाँ पे बताते हैं कि ठाकुर जी उतना को जो उसके स्तन पान करने के लिए ठाकुर जी अपने नेत्रों को क्यों बंद किया, इसमें कई सारे कारण बताते हैं। सबसे पहला कारण बताते हैं कि जब राम जी तृतीय युग में सबसे पहले राक्षसों को मारे शुरुआत किया था कहाँ से? ताड़का से। अब ताड़का से ताड़का को मारे तो ताड़का कौन थी? स्त्री। क्योंकि ठाकुर जी को लालचना ना लग जाए कि इस जन्म में भी ये ठाकुर जी हर अवतार में वो स्त्रियों को वध करते हैं, है ना, तो इसीलिए उन्होंने देखा कि अगर मैं मारूं तो अगर ठाकुर जी आंखें इसीलिए बंद कर दिया कि मेरे को पता ही नहीं चले कि मैं स्त्री को वध किया या पुरुष को वध किया, इसीलिए उन्होंने ठाकुर जी अपने नेत्र को बंद करते हैं। कारण दूसरा बताते हैं कि जो चंद्र और सूर्य है ना ये दोनों ठाकुर जी के दोनों नेत्र हैं। अब चंद्र और सूर्य ये सोच रहे हैं अगर ये ठाकुर जी को मार दिया तो चंद्र सूर्य लोक को कहीं ये राक्षसी बड़ी भयंकरी है ये हमारे लोक को ना आ जाए, ऐसे अस्वाध्वी को हम अपने लोक में स्थान नहीं देंगे, इसीलिए ठाकुर जी को वो प्रार्थना कर रहे हैं और ठाकुर जी उनकी प्रार्थना को सुनकर के अपने आंखों को अपने चंद्र सूर्य को क्या कर दिया वहां पे उन्होंने बंद कर दिया। तीसरा कारण बताते हैं कि ये ठाकुर जी देखें कि ये जो पुतना है ये है तो पुतना राक्षसी, पुतना बाल घातनी बच्चों को मारने वाली है, पर क्योंकि ये अभी कौन सा रूप बना करके आई है माँ की, तो ये क्या हो गया अंदर एक और बाहर एक, इसलिए कपटता का प्रतीक है, जो अंदर जैसा है बाहर वैसा नहीं, इसलिए देखो रामचंद्र ने सुपर्णा को क्यों त्याग दिया क्योंकि वह कपट बन कर गया, तो कपट तक भगवान का भी, इसलिए वैष्णव लोग भी जो होते हैं ना वो पतितों को तो पावन कर देते हैं पर जो कपट करके आएगा उसका कभी उद्धार नहीं, इसलिए हमारा भक्ति प्रभु पूरी से महाराज जी कहते हैं निष्कपट जो लोग है ना वो ही हमारे भगवान को प्राप्त करने की एकमात्र उपाय है, तो कपट तक कभी भी भगवान उद्धार नहीं किया, इसलिए कपटता का प्रतीक सोच करके भगवान ने वहां पे आंखें बंद कर देते हैं। पुतना का मतलब क्या है? पुत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं है, जो पवित्र नहीं है इसीलिए यहाँ पे कहते हैं जो मन से आत्मा से जो पवित्र है यानी कि जो भक्ति तो है, वास्तव में जो भक्ति करता है ना उसके मन में कोई कलमश नहीं रहता, कोई वांछा नहीं रहता, इतर वांछा नहीं रहता, अन्य अन्य कामना नहीं रहता, भगवान की भक्ति की और प्रेम की सेवा के अलावा कोई वांछा नहीं रहता, इसीलिए ये वास्तव में जो भक्ति है ना ये भक्ति ही पवित्रता है, और जो पुतना है ये भक्ति भक्ति का आदर नहीं है, इसमें कुछ किसी प्रकार गंध मात्र भी इसमें वो नहीं है, इसीलिए भगवान देखा कि जो भक्त नहीं होगा जो भक्ति से मेरे को भजन नहीं करेगा तो उसकी शकल में कभी भी नहीं देखता। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि जो पुतना है इसने जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग होते हैं वे लोग मेरे को सालों साल युग युगांतर कल्प कल्पांतर तपस्या करके भी मेरे को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मेरे को अपने गोद में नहीं ले पाते हैं, ये असाध्वी होने पर भी इसने कौन सा ऐसा तपस्या किया जरा मैं देखूं तो शायद ठाकुर जी जो रजिस्टर चेक किए कर रहे होंगे कि इसने क्या ऐसा पुण्य किया था थोड़ा मैं उसको, है ना, वो इसलिए ठाकुर जी वाचो पर कर रहे हैं क्या क्या इसने क्या पुण्य किया था। अब ठाकुर जी इसीलिए भी आंखें बंद करते हैं, कुछ संत लोग ऐसा बताते हैं कि अब पुतना क्या करने के लिए आए, जहर पिलाने के लिए आई है ना, ऊपर स्तन में काल गुड़ जहर लगा करके आई है और वो माँ की बेस में है तो माँ कौन क्या पिलाती है, दूध, तो दूध और जहर दोनों ही है, इसीलिए ठाकुर जी आंखें बंद करके किसको आवाहन कर रहे हैं, शिव जी को। शिव जी को क्यों कर रहे हैं, शिव जी का काम क्या है, विष पीना, और ठाकुर जी नन्हे मुन्ने से उनका काम क्या है, दूध पीना, तो आज पुतना मौसी आई है ब्रज में, मानो ये शिव जी को कह रहे हैं कि मौसी आज भंडारा कर रही है दो चीज, एक तो दूध के और जहर की, तो ठाकुर जी शिव जी आप आइए और आकर के जो जहर जहर आप पी लीजिए और जो दूध दूध मैं, इसलिए ये करके ठाकुर जी आंखें बंद करके ठाकुर जी उसके पयोधर को जो स्तन को दोनों हाथों से पकड़ लिया गाढ़म कराभ्यम
भगवान प्रपिड्यतम, मतलब गाढ़ रूप में जोर से ठाकुर जी उसको पकड़ लिया, उसके सिर को, उसके वयोधर को, और ठाकुर जी और जब वो पकड़ते हैं तो पुतना जो है अपने स्तन को ठाकुर जी के लालजी के मुख में दे देती है। अब ठाकुर यहाँ पे जब ठाकुर जी उसको जोर से पकड़ते हैं तो टीकाकर कहते हैं ठाकुर जी ने उसको क्यों पकड़ लिया, जोर से क्यों पकड़ते हैं, इस बात को उदाहरण देते हैं, इस बात को समझाते हुए टीकाकर लोग कहते हैं कि वो गाढ़ करापे मतलब दोनों हाथ से क्यों जोर से पकड़े, क्योंकि पुतना की जब प्राण को शोषण करने लगेंगे ठाकुर जी तब पुतना तो भागेगी। अब ये ठाकुर जी हैं छोटे से अगर भाग गई तो मैं फिर इसको कैसे पकड़ करके इसके उद्धार करूंगा, इसीलिए सोच करके ठाकुर जी ने जोर से उसको पकड़ लिया है। गाढ़ कराभ्यम भगवान प्रपिड्यतम, तब क्या होता है कि जब ठाकुर जी उसको चूसने लग जाते हैं तो उसको पीते पीते वो ठाकुर जी क्या करते हैं, उसके प्राणों को पीने लग जाते हैं, प्राण को और दूध को और जहर को सब चीजों को पीते हैं। तब यहाँ पे कहते हैं कि जो पुतना है ना, जब ठाकुर जी उसके प्राणों को सोचने लग जाते हैं, अब पुतना कहती है कि बेटा अब मेरे को छोड़ दे, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, है ना, कि कहते हैं कि जो ठाकुर जी को ये पुतना कहते हैं सा मुंच मुंच कि मेरे को छोड़ दे छोड़ दे। यहाँ पे मुंच का दो अर्थ होता है, मुंच मतलब छोड़ दे और मुंच मतलब क्या है, मुक्त कर दे। अब मुक्त कर दे कैसे, तो वो कहते हैं कि मेरे को मुक्त कर दे, अब कन्हैया मैं तेरे पास आई हूँ तो अब मेरा ये मुक्ति का द्वार खुल गया है, अब मेरे को मुक्त कर दे। भगवान कहते हैं तेरे गोद में मैं आ गया ना, तेरे स्तन को मैं अपने मुख में ले लिया ना। देखो ठाकुर जी हर किसी को ऐसे में नहीं पकड़ते, और अगर पकड़ते हैं ना, जब तक वैकुंठ भेद ना दे उसको बीच में कहीं छोड़ते तो है, इसीलिए वो कहते हैं मुक्त कर दे। ठाकुर जी कहते हैं मैं मुक्ति तो कर रहा हूँ, मुझे मतलब मुक्त कर रहा हूँ। और दूसरा यहाँ पे टीकाकर लोग एक और बात कहते हैं, जब ठाकुर जी उसको प्राण को पी रहे हैं तब इसको क्या है, पहले जहर को ठाकुर जी पान कर रहे हैं, उसके बाद दूध को पान कर रहे हैं, तो जब ठाकुर जी का मुंह उसके शरीर में लग गया तो उसकी मान लो कि कुछ पूर्व जन्म कुछ पुण्य हो, या फिर ठाकुर जी के मुख लगने से उसका बुद्धि सुधर गई होगी, तब वो ये कह रही होगी कि अरे कन्हैया अब ना पुत्र है, पुत्र ना अब मत पी। क्यों ना पी, क्योंकि इसमें मेरा जहर लगा हुआ है, क्योंकि ये जहर इसने क्यों लगाया था, इसके पूर्व जन्म अगर हम श्रवण करेंगे, जब ठाकुर जी बामन रूप में आए थे बलि महाराज जी के द्वार पे, तो बलि महाराज की जो बेटी थी, बलि महाराज की बेटी देखो इतना सुंदर सा बालक, और इस बालक को अगर ये मेरा बेटा होता तो काश मैं, ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको अपने गोद में लेकर मैं आपको स्तन पिलाती, दूध पिलाती। तब ठाकुर जी ने उसको कबूल किया, क्योंकि भगवान कई अवतारों में ना हर काम हर भक्तों की मनोवांछा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गर्ग संहिता में असीम मतलब बहुत कारण बताया गया कि सारी कामना जो है ना, हम लोग देवा देवियों के पास जाते हैं ना, देवा देवी तो छोड़ो, भगवान की जो बराह नरसिंह बावन भगवान की जो अवतार भी है वो भी सारे जीवों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसा करना है जो कृष्ण भी पूर्ण नहीं कर सकते, जो केवल महाप्रभु के अवतार में ही पूर्ण हो सकता है, इसीलिए कृष्ण परिपूर्णतम है। इसीलिए बामन भगवान जब उन्होंने देखा कि ये तो मेरे प्रति इस प्रकार वांछा कर चुकी है पर मैं तो अभी इसको ये वरदान नहीं दे सकता, तो कृष्ण रूप में, इसीलिए वो पुतना माया बन करके दूध पिलाने के लिए आई है, एक इच्छा इसका भगवान ये पूर्ण कर रहे हैं दूध पीते हुए। परंतु जब उसने देखा तीन पग मतलब पद में उसने तीनों लोग को ले लिया, इतना बड़ा अच्छा लिया है, इसीलिए अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध नहीं जहर पिला, भगवान तब भी तथास्तु की। क्यों तथास्तु किया, क्योंकि भगवान कृष्ण है, आप कुछ भी मनोकामना करो भगवान सब देने वाले हैं, इसीलिए उसने जहर लगा करके आई थी, भगवान जहर को भी पिया और साथ ही साथ दूध को भी पिया। जब दूध को और जहर को पी रहे थे तब उसने क्या बोला कि सामुच मेरे को छोड़ दे, तो उस समय क्या है कि उसने जहर के लिए भी मना कर रही है कि ना पी ना पी, क्योंकि वात्सल्य प्रकट हो गया ना, और दूसरा कि मेरे को छोड़ दे कष्ट हो रहा था, निखिल मर्म जीव निखिल जीव मर्म तापिनी, कहते हैं पूरा उसके मर्म फट रहा था कि भगवान उसके प्राणों को पी रहे थे ना,
यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान उस समय उसकी क्या पिया, दूध या जहर? कहते नहीं, भगवान जब जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे दवाई मिला करके गुट्टी बनाई जाती है। हमारे उड़ीसा में पालू वगैरह कई चीज होता है, उसको बना के गुट्टी गुट्टी बनाया जाता है और फिर बच्चों को पिलाया जाती है। यहाँ पे होता है जब बच्चे छोटे होते हैं। अब ठाकुर जी जन्म हुए हैं, आनंद उत्सव में कुछ पता नहीं चला, मैया यशोदा तो पिला नहीं पाए, इसीलिए पुतना मौसी आई है गुट्टी पिलाने के लिए। इसीलिए भगवान क्या उसमें मिलाए हुए, कहते हैं पुतना की पापों को, उसकी दूध को, उसकी जहर को, उसकी जो कर्म बंधन को भगवान मिला करके गुट्टी बना करके घुटुक रहे हैं। तो इस प्रकार पुतना की प्राण को प्रभु ने क्या किया, पान कर लिया। जैसे पान कर लिया, अब उसका तो मरम मरम फटने लगा, तो पुतना ने ठाकुर जी को अपने साथ लेकर के उड़ गई सीधा ऊपर। और ऊपर उड़ के वो अपने जो वास्तव स्वरूप, जो 6 क्रोश लंबा चौड़ा जो उसका जो आकार था, वास्तव स्वरूप में आ गया। इधर नीचे ब्रजवासी सारे देखे हक्के में कह गए, हम क्या सोच के आए थे। अभी गुरु जी कह रहे थे ना, शिव जी को जब आए क्यों दर्शन नहीं कराए, क्योंकि पहले तो पुतना इतना सुंदर बन के आए थे और बाद में क्या बन गई। अब ऐसे ही शिव जी आप तो ऐसे ही दिख रहे हो, तो आपको कौन देगा। तो अब जाकर के पुतना जब मथुरा के तरफ लेकर के उसको उड़ जाते हैं, अब उसका क्या हुआ, प्राण धीरे धीरे निशेष होने लगा, अरे करके धम गिरा जाकर के वो मथुरा के बीच में जाकर के गिरा। वो कहते हैं कि खुले मैदान में तो गिर सकती थी, परंतु वो सारे पेड़ पौधे के ऊपर जाकर के गिरे। इधर से जब वसुदेव महाराज नंद बाबा आए ना, तो देखा पूरा रास्ता जाम है, भैया एक इतना बड़ा विशाल का शरीर का एक राक्षसी पड़ा हुआ है, तो देखा इसको क्या किया जाए। और सारे ब्रजवासी ट्रैफिक जाम है, क्योंकि उस तरफ वाले इस तरफ नहीं आ पा रहे, इस तरफ वाले उस तरफ नहीं जा पा रहे। अब नंद महाराज ने देखा इसको तो जल्दी से जल्दी संस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ के सड़ जाएगा, गल जाएगा, या कोरोना वायरस निकलेगा, तो पता नहीं क्या क्या वायरस निकल जाता। इसीलिए ये बात सोच करके उन्होंने फिर पहले ही उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, मतलब काट फूट के उसके जो हाथ पैर को काट फूट के सर यमुना जी के जो जो बछा कुलाड़ी फौड़ा वगैरह था सब प्रजावासी अपने घर से ला करके सब काम में आ गए यमुना जी के किनारे। और यमुना जी के किनारे आकर के उसको ना कोई चंदन, ना कोई अगरू, ना कोई कुछ डाला था सुगंधित वस्तु, और आग लगाए। परीक्षित सुदेव गोस्वामी कहते हैं जब उसको जलाया जा रहा था, इतना सुगंध उसमें, इतना सुगंध था, तो हमारे टीकाकरण लोग कहते हैं कि वो तो राक्षसी था, वो तो असाध्य थी, परंतु उसकी मांस से और उसके रक्त से इस प्रकार खुशबू कैसे आई। तो कहते हैं क्योंकि अंतिम समय में कौन, जो कहते हैं कि जो सारे ब्रह्मांड को मुग्ध करते थे, जिनके जो कहते हैं ना, जिनके चरण कमल से निकली हुई गंगा की यावै लसस्त्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग रेणु विदकांब नेत्री, कहते हैं जिनके मकरंद से ही चतुसन जैसे बड़े बड़े जो जो ब्रह्म में लीन होने वाले परिनिष्ठित तो भी उत्तम श्लोक लीला, ऐसे ब्रह्म में निर्गुण रहने वाले भी जो जिनके मकरंद को पान करके सुगंध को तत्पाद सरोज सौरभम, उस सौरभ को पान करके जो मदमत्त हो जाते हैं, जब वो भगवान के चरण में इतना सुगंधी होगी, भगवान के मुख में कितना सुगंध नहीं होता होगा। इसीलिए क्योंकि वो उस शरीर को भगवान ने उसको चूम लिया था, इसीलिए उसके यहाँ से बड़े सुंदर सुंदर खुशबू निकलने लगा। आखिर में परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित देखो, आप लोग ने जयपुर में क्या फेमस है मिठाई में बताओ, फीणी फीणी खाया ना, हाँ फीणी कैसी है, एक मिठाई फीका है। चलो मान लो आप कहते हो मिठाई, और आपने बताया नहीं ये मिठाई है, कोई व्यक्ति पूछा है कि फीणी कैसी है, आप तो कहते हो मीठा है, पर जो व्यक्ति खाए नहीं उसको कैसा पता चलेगा, नहीं चल सकता वो मीठा है या खट्टा है या तीखा है ना। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं देखो मैं हूँ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ परीक्षित, जो इस पुतना लीला को सुनेगा उसको भक्ति होगी होगी प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि इस बात को सुनकर भी ही मैं भक्ति में आया हूँ। तो जो अनुभव व्यक्ति है ना, जिसने फीणी खाया है, वो तो बता सकता है उसका वास्तव में टेस्ट कैसा है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इसी बात को पुतना लीला उद्धार की एक श्लोक को सुन करके मैं कहाँ ब्रह्म में लीन था और वहां से मैं यहाँ पे आया केवल इसको सुन करके। इसलिए मैं अनुभव व्यक्ति मैं कह रहा हूँ, जो इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक सुनेगा उसको गोविंद के चरण में भक्ति प्राप्ति होगी होगी, इसमें कोई दुविधा नहीं, कोई संशय नहीं।
बोले कैसा आपने आप कैसे आए थे? तो कहते हैं जब मैं ब्रह्म में लीन हो करके 16 साल के माँ के गर्भ में रहने के बाद जब वेदव्यास जी ने मेरे पे प्रार्थना किया मेरे लिए और फिर मैंने मातृ गर्भ से पतित होने के बाद जब मैं जंगल की ओर चल पड़ा तो मेरे को केवल जो निर्विशेष ब्रह्म में मेरा चित्त लगा हुआ था, परंतु मेरे पिताजी वेदव्यास ने एक श्लोक लेकर के एक शिष्य को देकर के छोड़ा जंगल में। तो जंगल में वो एक श्लोक उच्चारण कर रहे थे, क्या था? अहो बकियम स्तनकाल कूटम जिज्ञासया अप्य साधु साध्वी लेभे गतिचिताम लेभे धातुचिताम गति लेभे गंबा दयालु शरणम ब्रजेम। कहते अहो बकियम स्तनकाल कूटम, ये पूतना कैसी थी कि अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके जिस गोविंद को मारने के लिए चली थी, ऐसे मारने वालों को भी गोविंद ने अपने माँ की गति प्रदान कर दी। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु के शरण में ना जाए तो किसके शरण में जाए? तो ऐसे गुणों की अधिष्ठान भगवान की गोविंद के लीला को जब हमने श्रवण किया तो मेरे मन में कोई किसी प्रकार विकार नहीं रहा। किसी ब्रह्म चिंतन में अपने मन से मैंने सब प्रकार से हटा करके मैं इन्हीं के चरण में लगा। इसीलिए परीक्षित, इसको भली भांति श्रवण करो। यही हमारे लिए भी शिक्षा है कि हम गोविंद के चरण में भक्ति प्राप्त करें तब हमें इन लीलाओं को मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण करना पड़ेगा। यही गौमयी भक्ति गौर ब्रह्मानंद। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासयापि हरये स्तनम दत्वा अपसद्गति। देखो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया भक्ति करना तो गोविंद देव को भक्ति करो और किसको भक्ति मत करो। क्यों नहीं करे ये चीज को समझो। वो गिना रहे हैं पुतना के अंदर में पहला नंबर पुतना। पुतना मतलब क्या? पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र थी। दूसरा नंबर में उसका काम क्या था? बोले बच्चों का खून पीना। बोले तीसरे नंबर में बोले राक्षसी। बोले चौथे नंबर में ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के आई थी? जहर। सारे उसको अंदर में अपगुण अपगुण था। लेकिन हमारे ठाकुर जी कहते गुना अवगुना प्रभु देखो ना काम। जो गोविंद देव है ना वो किसकी अपगुण का प्रति नजर नहीं देते हैं, उसका जो सद्गुण का प्रति नजर देते हैं। उसने जो एक सेकंड के लिए जो एक नाटक रचाई, बोले मैया जसोदा इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। इतने में ही गोविंद देव रीझ गए। हाँ देखो और एक अर्थ सुना। फिर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं पहला नंबर था पुतना, मतलब जो पवित्र नहीं अपवित्र। अगर अपवित्र व्यक्ति को अगर ठाकुर जी इतने बड़े पद दे सकते हैं, अगर कोई गोविंद देव को सामने नहा धो करके अच्छे साड़ी अच्छे कपड़े पहन करके जाए तो फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे? ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के आई थी? बोले जहर। अगर जहर देने वाले व्यक्ति को अगर ठाकुर जी गोलोक वृंदावन में स्थान दे दे, अगर कोई ठाकुर को पास में आए थोड़ी सी भक्ति भावना लेकर के, नहीं तो उनके लिए कोई फूल लेकर के माला, नहीं तो थोड़ी सी कोई फल लेकर के आए, नहीं तो उनको जो प्यारा चीज मक्खन मिश्री लेकर के आए, फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे? तीसरा नंबर कहते हैं वो थी राक्षसी। अगर राक्षस को अगर इतने बड़े पद दे दे, अगर कोई उनका भक्त बा कोई इंसान उनको पास में आए, फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे? है क्या नहीं देंगे? तब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को एक प्रश्न करते हैं, बोले ठाकुर जी लगता है तुम्हारे जो दरबार है ना कंद अंधेरी नगरी चौपट राजा और टाका सर भाजी और टाका सर खाजा, लगता है तुम्हारी नगरी ये अंधेरी नगरी है। बोले किस लिए ऐसे बोल रहे हो? सुखदेव गोस्वामी गोविंद देव का प्रश्न कर रहे हैं, बोले अगर ये पुतना इतना दुष्टा थी, अगर उसको आप गोलोक वृंदावन में स्थान दे दो, फिर आपको जो भक्ति पूर्वक भजन करेगा उसको क्या दोगे? बोलो लगता है तुम्हारी जो नगरी है ना ये अंधेरी नगरी, ये नगरी तुम्हारी ठीक नहीं, सबको तू बराबर दे रहे हो भक्तों को दुष्टों को। तब एक सुंदर कथा सुनाए, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय एक गुरु और एक चेले थे, भ्रमण करते करते एक राज्य में पहुंचे। वो राज्य में जो कुछ खरीदी करो 1 रुपया किलो, कोई साग भाजी खरीदी करो 1 रुपया किलो, कोई लेडीगिनी चमचम राबड़ी खरीदी किलो 1 रुपया किलो, घी खरीदी करो 1 रुपया। जो चेला था ना बोले वाह
बढ़िया राज्य में आ गए। बोले गुरुजी यहाँ से और छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले जो कुछ खरीदी कर लो, एक किलो एक रुपया, ये साग भाजी क्यों खाए? रोज रोज राबड़ी मालपुआ खाओ, लड्डू खाओ और शरीर के हेल्थ को थोड़ा अच्छे तरह से मनाओ। गुरुजी ने कहा बेटा लगता है ये अंधेरी नगरी चौपट राजा, जिस राज्य में हर चीज एक चीज एक किलो रुपया होना वो राज्य कभी चल ही नहीं सकता है, लगता कुछ गड़बड़ी, राजा लगता है थोड़ा पागल होगा जरूर, भैया ये राज्य में नहीं रहनी चाहिए, भागो यहाँ से। बोले गुरुजी इतने बढ़िया राज्य में कुछ भागो? बोले गुरुदेव आप जाओ, मैं तो जाने वाला नहीं, मैं तो यहीं रह करके थोड़ा शरीर को हेल्थ को अच्छे तरह से बनाओ राबड़ी घी खा करके। बोले देख बेटा अगर कोई विपत्ति आए ना मेरे को याद कर दे। बोले गुरुजी कोई चिंता मत करो आप जाओ। अभी रोज रोज राबड़ी मालपुआ रसमलाई रोज रोज एक किलो रुपया वे खा खा करके अपना हेल्थ को इतने मोटे सोटे ऐसे लंबा चौड़ा बनाए। एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ी माता घर में कुछ डाकू ने चोरी की, चोरी एक डाकू घर में घुसकर चोरी किया, चोरी करके जब भाग रहा था ना उसने पीछे से देख लिया था वो मोटा सोटा लंबा चौड़ा था। अभी सवेरे आकर के राजा से शिकायत की महाराज मेरे घर में चोरी हो गई। बोले तुमने उसको देखा था? बोले पीछे से देखा था और लंबा चौड़ा मोटा सा था इतना देखा। उन्होंने CID को बोला, बोले घुमा राज्य में सबसे मोटा सोटा लंबा चौड़ा कौन, अरे ये तो घी पी पी करके राबड़ी रसमलाई खा खा करके शरीर का एकदम तंदुरुस्त बना कर रखे, घूमते घूमते यही सबसे मोटा लंबा चौड़ा मिला। बोले यही होगा। बोले ये राजा बुला रहे। बोले क्यों? बोले किसी बूढ़ी माँ के घर में चोरी हुई, उसने पीछे से देखा था लंबा चौड़ा मोटा, तू राज्य में सबसे मोटा तू हो। बोले चलो राजा बुला रहे। अभी राजा को पास में गए, बोले इसको सूली में चढ़ा दो, फांसी झुलाओ इसको। बोले क्यों? बोले चोरी हुई ना पीछे से देखा था और तू लंबा चौड़ा, राजा थोड़ा पागल था। बोले गुरुजी सही कह रहे थे, ये चौपट राजा ही पीछे से देख लिया लंबा चौड़ा, जो मोटा छोटा वही चोरी किया, लगता ही पागल है। लेकिन गुरुजी ने कहा था अंतिम समय में मेरे को याद कर देना, और नियम है जब किसको फांसी में झुलाते हैं वो प्रश्न करते हैं तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बोले मेरे मन में एक इच्छा था गुरुजी से मिलूं। बोले गुरुजी कहाँ? बोले अमुक जगह पर। गुरुजी को बुलाया, बोले बेटा क्या बात? बोले गुरुजी आप सही बता रहे थे, ये राजा तो पागल है, हैं? ये तो घी राबड़ी खा खा करके शरीर को तंदुरुस्ती बनाया, पता नहीं किसी बूढ़ी माता घर में चोरी हुई, पीछे से देख लिया मोटा छोटा और मेरे को पकड़ करके ले आए, बोले फांसी झुलाएंगे। बोले पहले तेरे को मना किया था ना? बोले गुरुजी अपराध हो गया, एक बार मेरे को माफ कर दो, अभी मेरे को मुक्ति कराओ। बोले देख बेटा हम आपस में लड़ेंगे, मैं बोलूंगा मेरे को फांसी में झूलाओ और तू बोलना मेरे को फांसी में झूला, फिर मैं सब काम ठीक कर दूंगा। दोनों इतने लड़े, गुरुजी कहते मेरे को फांसी पर झूलाओ, चला कहता नहीं आप नहीं मैं। राजा बोला भैया दोनों फांसी में झूलने के लिए लड़ाई क्यों कर रही? बुलाया गुरुजी को, बोले भैया क्या बात क्यों लड़ रहे हो मरने के लिए? बोले महाराज आपको पता नहीं अभी आते समय मैंने पंचांग देख करके आया, 100 साल के बाद में आज का जो दिन अमृत योग पड़ा है, आज का दिन जो फांसी में झूलेगा सीधा वैकुंठ जाएगा, अभी मैं देख करके आया। बोले क्या 100 सालों के बाद? बोले हाँ मैं देख करके आया ना, आज ये अमृत योग है, जो मरेगा फांसी में सीधा वैकुंठ जाएगा। राजा सोच रहे हैं 100 साल के बाद अमृत योग, अभी मेरी मैया तो बूढ़ी हो गई हैं, अभी तो कुछ दिन में मरने वाली, फिर मैया को फांसी में क्यों नहीं झुला दे? बोले तुम जो ना जब आ गए यहां से जरूरत नहीं फांसी झूलने का, भागो मेरी मैया बूढ़ी हो गई, कुछ दिन में मरने वाले, अपना मैया को फांसी में झूला दूंगा 100 साल के बाद अमृत जो। गुरु जी कहले बेटा चलो यहाँ से भागो जल्दी, बस गुरु चले भाग गए, अपना मैया को सूली पर फांसी में झूला दी। इसलिए यहाँ पर कहते ये सुखदेव गोस्वामी भगवान गोविंद देव से प्रश्न करते, बोले प्रभु ये बताओ लगता है तुम्हारी जो राज्य है ये अंधेरी नगरी है, क्योंकि तुम पुतना इतने जो दुष्टा थी उसको अगर आपने गोलोक वृंदावन में धाई चित पद दे दिया, जो तुमको प्रेम से लाड़ प्यार से मक्खन खिलाते हैं, तेरे को लाड़ लड़ाते हैं, तेरे लिए मक्खन बनाती हैं, इनको तुम दोगे क्या? बोलो तेरे पास में क्या है? तब इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम, मैं बराबर नहीं देता हूँ, जो जैसे मेरे को भजन करता है मैं ठीक उसके अनुरूप मैं उसको भक्ति देता हूँ। माँ तो मेरे कान मोल देती है, विश्व ब्रह्मांड को मैं कान पकड़ कर उठाने वाला हूँ, लेकिन जब मैंने मक्खन चोरी करता हूँ ना
मैया मेरे कान पकड़ करके कहते क्यों रहे चोर चोटे, घर में क्या कमी, दूसरे घर में मक्खन तो चोरी करती हो, मेरे को उखल में बांध देती है, सखा लोग तो मेरे को घोड़ा बना देते हैं, मैं तो गोपियों के चरणों में गिरता हूँ, लेकिन पुतना को क्या गति दिए। बोले धात्रीचित्त, धात्रीचित्त मतलब होता है जैसे माँ की आनुगत्य में जो दासियां रहती हैं, ये गति भी नहीं उसकी जैसे दिया, वैसे नहीं, माँ की आनुगत्य में जो दासियां हैं, दासियां जैसे दी उनको ठीक वैसे नहीं, इसलिए धात्रीचित्त तो गति दिया। और भक्तों के लिए तो भगवान स्वयं बिक जाते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री भगवान गोविंद देव की। इसलिए कृष्ण सर्वप्रथम उन्होंने पुतना को मारी। पुतना को क्यों मारे? भगवान राम भी किसको मारे? ताड़का को। देखो दोनों प्रभु करी करी एक लीला की, पुतना कितना कह रहे, ताड़का कितना कह रहे, पुतना ये स्त्री, ताड़का कौन थी? स्त्री। पुतना मतलब क्या? पुतना मतलब जो पवित्र नहीं अपवित्र। ताड़का मतलब ताड़े अतीत ताड़का, जीव को जो भगाता है। जीव को कौन भगाता है संसार में? ये काम क्रोध लोभ मोह में भगा रहे हैं। इसलिए और पुतना कौन? बोले अविद्या, ये पाप है। मानो दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं, अगर मुझे कोई हृदय में बैठना चाहे तो क्या करो, सबसे पहले पुतना को, पहले ये ताड़का को मारो, फिर तो मेरे को अपना हृदय में बैठा सकते हो। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। हाँ, आज हम लोग श्रवण करेंगे, हाँ, भगवान राधा रानी की जन्म की कथा आज श्रवण करेंगे। इसलिए कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, बोले भैया अब तो इतने राधे 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 बोलते हो, वृंदावन में गए सबके सब? कौन गए हो वृंदावन में? इसलिए वृंदावन में देखना कोई भी बांके बिहारी का नाम लेता है, किसका नाम लेते हैं? जोर से बोलो, महावर श्री। सबके सब वहाँ किशोर जी के नाम लेते हैं। बोले क्यों, कारण क्या है? कृष्ण खुद कहते हैं, बोले रास शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तमम, धास शब्द कुर्बत पश्चात धा भी श्रवण लोभात। अगर किसने राख और बोल दिया तो कृष्ण कहते हैं मैं तो उसको पास में बिक जाता हूँ और सोच में पड़ जाता हूँ, मेरी राधा रानी का राख और बोला उसको मैं क्या दूं? देखते विश्व ब्रह्मांड में कुछ देने का लायक नहीं, कृष्ण कहते मैं खुद को खुद दे देता हूँ, अपना भक्ति प्रेम को देता हूँ। अगर कोई धा बोल दिया ना, ये धा अक्षर सुनने के लिए उसको पीछे 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 मैं भी घूमता रहता हूँ। हाँ, वो जिधर जाता है मैं उधर ही चलता हूँ। इसलिए कहते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे। इसलिए हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, पहले हरे, हरे मतलब श्री राधिके, इसलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इसलिए हम पहले हरे बोलते हैं। इसलिए कोई कोई कहता आप इतने राधे 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 के भक्त बनते हो, ये भागवत में राधा जी का भरे नाम क्यों नहीं दिया गया? हाँ, बहुत लोगों का ये प्रश्न है, लेकिन हमारी गौड़ीय वैष्णव कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं, ये जो भागवत ग्रंथ है, साधारण लोग कहते हैं ये कृष्ण पर्ग ग्रंथ है, क्योंकि दशम स्कंध में पूरा कृष्ण 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 कथा देखो, पूरा कृष्ण कथा सुनोगे, इसलिए कहते कोई कृष्ण पर्ग ग्रंथ है। लेकिन हमारे जो बड़े गुरु जी कहते हैं, बोले ये कृष्ण पर्ग ग्रंथ है, ये राधा पर्ग ग्रंथ है, जिसमें राधा जी का महिमा को गुरुदेव उदाहरण देते हैं। जैसे इसमें 12 खंड है, 12 खंड में जो दशम स्कंध है ये भगवान के मुखारविंद है। जैसे किसी व्यक्ति को आप दर्शन करोगे, नजर कहाँ पड़ेगा? आप क्या देख करके बताओगे ये अमुक व्यक्ति है? उनका मुंह देख करके, उसको मुंह देख कर पहचानोगे ये व्यक्ति। अगर मुंह को ढक दो, पूरा शरीर को दिखाओ, आप पहचान सकते हो? नहीं पहचान पाओगे। इसलिए मुंह देख कर पता चलेगा ये अमुक व्यक्ति है। इसलिए दशम स्कंध ये भागवत का मुखारविंद। कहते उनका हंसी किया, एक व्यक्ति दुखी ना सुखी पता कैसे चलेगा? अगर उसका मुंह लटका हुआ हो
समझ जाएंगे भैया व्यक्ति दुखी है। अगर किसी व्यक्ति को देखो खिलखिला कर हंस रहे हैं, क्या पता चलेगा ये व्यक्ति प्रसन्न है। कहते इसमें हंसी क्या है, ये हंसी कहते ये रासलीला है, ये हंसी ये रासलीला है। कहते रासलीला में उसमें पांच अध्याय, रास पंचाध्याय, उसमें पांच अध्याय में रासलीला वर्णना की गई। लेकिन रास में जो सर्वश्रेष्ठ कौन, रासेश्वरी बोले श्री कृष्ण, श्री राधा रानी, क्योंकि जब रास हो रहा था वहाँ कृष्ण भी थे, चंद्रावली भी थी, पद्मा भी थी, वहाँ पर सब सखियाँ वहाँ पर थी। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी वहाँ से चली गई ना, रास बंद हो गया और कृष्ण व्याकुल होकर के हा राधे हा राधे हा राधे बोल करके लता पता कुंजों में राधा रानी को श्याम सुंदर ढूंढ रहे थे। इसलिए रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी, कृष्ण रासेश्वर नहीं, रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये जो भागवत ग्रंथ है ये राधा वर्ग ग्रंथ है। इसलिए ये ग्रंथ को देखो, ग्रंथ का नाम क्या है, बोले श्रीमद भागवतम। बोले श्रीमद मतलब क्या, श्री मतलब श्रीया श्रीमती राधा रानी, मद मतलब प्रेम, मद मतलब प्रेम। इसलिए ये श्रीमद भागवत नहीं, कहते ये राधा रानी का प्रेम, ये सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं राधा रानी का प्रेम को ही यहाँ पर बांट रहे हैं दुनिया को। एक उदाहरण देकर समझाए, कोई एक सेठ था, वो सेठ खूब पैसा कमाता है लेकिन सारे सेठानी को देता है। सेठानी क्या करती है, आलमारी में एकदम लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी सजा सजा कर रख रही है, हीरे जवाहरात को रख रही है। एक दिन ही वो सेठानी हो गई पागलिनी, वो सारे हीरे जवाहरात को लेकर छत के ऊपर में गई और उसने बांटना शुरू की, और जितने दुखी दरिद्र थे सब के सब उठा उठा करके उसको लेकर के ये सब माला माल हो गई। कहती ये सेठ कौन है, ये सावरिया सेठ गोविंद देव, ये तो सारे नाम रूप गुण लीला को कमाता है लेकिन रखता है किसको पास, बोले सेठानी। वो सेठानी कौन है, जोर से बोलो, ये सेठानी श्री राधा रानी, इनको पास में सारे प्रेम संपत्ति इनको पास में, क्योंकि राधा रानी के बगैर कृष्ण आधे हैं। अगर राधा रानी किसको प्रेम देगा ना, कृष्ण नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटबीम असंभाष्य तद भाव गंभीरचिता कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाओ। हैं बोले जब तक राधा रानी की कृपा नहीं हो, ये कृष्ण ये टेढ़े टांग वाले हैं, तीन जगह से टेढ़े, इनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खीरी है। इसलिए ब्रज में एक भजन है, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, जसदा तेरा टेढ़ी गोकुल तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी जसदा ढूकरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। इसलिए आप वृंदावन जाओगे ना, सब गली गलियों में देखा ना, कोई गली सीधा नहीं देखो, गली भी टेढ़ी टेढ़ी बड़ी देखोगे, जमुना भी देखोगे टेढ़ी, और वहां पर देखोगे ना गाली के बगैर कोई बात नहीं करेंगे हैं पंडे लोग। इसलिए वहाँ सबके सब टेढ़े टेढ़े हैं, लेकिन वो टेढ़े टांग वालों को पाना इतना आसानी नहीं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, इसलिए एक कोई संत थे, उन्होंने के पद लिखा, मैं तो श्याम रंग में रंगी, मैं तो कृष्ण रंग में रंग गया। बड़े लोग सुनकर खुश हुए, लेकिन जब जीव गोस्वामी के पास में पहुंचा, उन्होंने ये श्लोक को लिख कर भेज दिया, बोले कृष्ण रंग में रंग गए। इतना आसानी मत समझो कृष्ण को पाना, अगर जब तक तुम तीन चीजों को नहीं अपनाओगे, कृष्ण कृष्ण बोलने पर कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण भक्ति बड़ी टेढ़ी भक्ति है, लेकिन यह हमारी किशोरी जी बड़ी सीधा साधी है। इसलिए वृंदावन में किसका नाम लेते हैं, सब राधा जी का नाम लेते हैं, इनके बगैर कृष्ण मिलने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने ये श्लोक भेज दिए, बोले अनाराध्य राधा पदाम भज रेणु, जब तक राधा रानी के चरण धूल का आश्रय नहीं करोगे। दूसरे चीज है राधा रानी की, हैं जो वृंदावन का जो धाम जिसमें राधा रानी के चरणों के द्वारा अभिषिक्त है, जब ये वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण नहीं करोगे, सबसे बड़ी चीज राधा रानी की भक्ति में जो संत सराबर हुए हैं, जब तक ऐसे संतों का आश्रय नहीं करोगे, बोले कुतः श्याम सिंधु रसस्य अवगाओ, कहाँ कृष्ण रस में कहाँ गोता लगाओगे। इतने आसानी मत समझो कृष्ण भक्ति पाना, ये राधा रानी की कृपा से ही ये कृष्ण भक्ति मिलती है।
इसलिए कत इसलिए भागवत में ये कत इसलिए सेठ कौन है, कत श्री श्याम सुंदर गोविंद देव, सेठानी कौन है राधा रानी, सब मालकियानी वही, सारे माल उसको पास में है। अगर वो देगी तो देगी, नहीं तो वो नहीं देगी तो कृष्णा तो कमा सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते हैं। देगी तो कौन देगी, बोले ये राधा रानी देगी। एक दिन राधा रानी प्रेम में कृष्ण प्रेम में बाबरी बन गई और गई छत के ऊपर में, और जितने हीरे जवाहरात था ना उसने लुटाना शुरू किया। जब लुटाना शुरू किया, आप और हम जैसे व्यक्ति सब कृष्ण प्रेम धन को लूटे और लूट लूट करके सबके सब कृष्ण प्रेम में सब माला माल हो गए। इसलिए ये श्रीमद भागवतम मतलब है राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती हैं, ये भागवत कथा नहीं, कहते कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके ये भागवत कथा को ये लुटा रही हैं, और हम लोग आप लोग सुन करके कृष्ण प्रेम में हम सब के सब माला माल हो जाएंगे। इसलिए कि ग्रंथ का नाम श्रीमद भागवत ग्रंथम है। इसलिए कहते भागवत में तब उन्होंने राधा जी का नाम को फिर क्यों नहीं लिया, तब उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए। पहला कारण बताए श्री श्रीधर स्वामी कह रहे कि सबसे पहला टीकाकार कि जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार राधा रानी का नाम लेते थे, बोले राधा नाम उच्चारण मात्रेण षडमार्षि की मूर्छा भवेत। एक बार राधा रानी का नाम लेकर 6 महीना बेहोश हो जाते थे, बोले मेरे नाम में केवल 7 दिन मेरे पास में, अगर 6 महीना बेहोश हो गया फिर कृष्ण कथा की सुनाओ, इसलिए नहीं सुनाए, राधा जी का नाम उन्होंने नहीं लिए। दूसरा है सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रश्न करती हैं, बोले हे राधिके आपका नाम को भागवत में किस रूप में ग्रहण करूं, राधा रानी का निर्देश है मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में नहीं लेना, अगर लेना तो छुपा करके मेरे नाम को लेना, इसलिए नहीं लिया। तीसरा कारण बताए जैसे मेहंदी पत्ता, आप लोग मेहंदी पत्ता देखे हो, कौन कौन मेहंदी पत्ते देखे हो, आप बताओ उसका रंग कैसे है, हरा है ना, वो क्या हरा है क्या लाल है ना, लेकिन ऊपर से क्या दिखता है हरा हरा, लेकिन उसको फिर पीसो पीसो को तभी वो हरा हरा दिखेगा, लेकिन जब मेहंदी हाथ में लगा देते हो जब सूख जाती है कौन सा रंग हो जाता है, फिर तो महीना तक छूटती नहीं हाथ से। इसलिए भागवत को ऊपर से देखोगे ना कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन उसका अंदर में क्या देखोगे, इसलिए बोला आत्मा तो राधिका एव, कृष्ण का आत्मा कौन है कि राधा रानी, लेकिन रंग निखरेगा कैसे, बोले पीसो, बोले पिसना मतलब क्या, बोले भजन करो साधन करो, साधन करके देखोगे ना भागवत में सर्वत्र श्री किशोर जी का नाम सर्वत्र मिलेगा है। इसलिए उसका 14 कारण बताए जैसे जो कृष्ण भक्ति एक बहता हुआ नदी, जैसे बहता हुआ नदी का पानी एक चिड़िया इंसान जानवर सब पी सकते हैं, लेकिन कुएं में पानी होना सभी नहीं पी सकते, जिसको पास में रस्सी कोई पात्र हो वही व्यक्ति पी सकता। तात्पर्य क्या है, जैसे कृष्ण भक्ति एक बहता हुआ नदी, कृष्ण भक्ति तो सब कर सकते हैं, लेकिन जो कुएं का जो पानी राधा रानी की भक्ति जिसमें ठंडा कोमल सिद्ध पानी है कौन पी सकता, जिसको पास में रस्सी पात्र, रस्सी क्या है पात्र क्या है, बोले रस्सी है ये गुरु परंपरा। अगर हम किसी रस्सी की परंपरा में आएंगे तभी हमें ये राधा रानी की भक्ति मिलेगी है। ऐसे कुछ कुछ संप्रदाय है जिसमें राधा जी की भक्ति नहीं होती है, जिसमें कृष्ण ही भक्ति केवल कृष्ण भक्ति करते हैं, वो संप्रदाय में जाओगे तो आपको तुमको राधा रानी का भक्ति मिलेगी नहीं, कि गुरु परंपरा में जो आएगा तुमको तो वही मिलेगा ना, वो गुरु परंपरा में नहीं राधा रानी की भक्ति, तो वो भक्ति मिलेगी कैसे। अभी जिस परंपरा में राधा जी की भक्ति, इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम क्या है, ब्रह्ममाधव गौड़ीय संप्रदाय। महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को क्यों वर्णन किया, 4 वैष्णव संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र सनक, महाप्रभु ने ये 4 संप्रदाय था उन्होंने ये ब्रह्ममाधव ये ब्रह्मा जी को क्यों चुने, कारण है इनके हृदय में राधा रानी की चरण सेवा की भावना। इसे जो बरसाना है वो कौन है, ब्रह्माचल पर्वत, स्वयं ब्रह्मा जी ये पर्वत रूप धारण किए क्यों, राधा जी की सेवा करने के लिए। इसलिए महाप्रभु ने ये ब्रह्ममाधव गौड़ीय संप्रदाय को चुने, और उसमें क्या देखा, इसमें दधि मंथन दंड को कृष्ण को पकड़ते हुए देखा, बल जिसमें ब्रज भावना थी, इसलिए चैतन्य महापुरुष इस संप्रदाय को स्वीकार किया है, इसी संप्रदाय को। इसलिए कहते हैं हमारे गौड़ीय, गौड़ीय मतलब क्या, राधा रानी गौरी है, राधा रानी गौरी से ये गौड़ीय है,
इसलिए हम लोग श्री श्री किशोर जी की उपासक हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, राधा पद छाड़ी जजन सजन जेभावे जेभावे थाके, आमित राधिका पक्षपाती सदा कभू नाही हरि थाके। देखो भक्त विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, ये हमारी संप्रदाय का मूल व्यक्ति है। कह जो व्यक्ति राधा पद छाड़ी, मतलब राधा रानी के चरण को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति जिसको तिसको भजन करना करे, लेकिन मैं आमित राधिका पक्षपाती सदा, मैं हर समय राधा जी की पक्ष लूंगा। अगर कृष्ण एक तरफ में खड़े हुए, राधा रानी एक तरफ खड़ी, दोनों अगर हमें बुला रहे, हम किसको पास में जाएंगे? किसको पास में जाओगे? बोले गोविंद देव के पास हम नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे सिर्फ किशोर जी के पास में, हैं किशोर जी के पास में जाएंगे। इसका मतलब कि हम गोविंद देव को प्रेम नहीं करते? बोले नहीं, किशोर जी को पास में जाना मतलब है गोविंद की विशेष विशेष सेवा, क्योंकि राधा रानी को पता है गोविंद की सेवा कैसे करनी चाहिए। पूर्ण रूप में जब राधा जी की अनुगत्य करेंगे ठाकुर की सेवा, तभी पूर्ण रूप में उनकी सेवा की प्राप्त होती है। इसलिए हम लोग श्री ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय अपने आप को हम अपना परिचय देते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए, जब तक कोई ऐसे परंपरा नहीं हो, उसी परंपरा में जब तक अभिषिक्त नहीं होंगे, ये भैया ये राधा रानी की भक्ति नहीं मिलेगी, ये कारण है। उसका जो चौथा कारण बताए, आप लोगों देखे होंगे जब कोई ईंट को जैसे लाल करते हैं, कोई पात्र को लाल करते हैं, कैसे आप देखे होंगे, चारों तरफ में मिट्टी से पोत देते हैं, अंदर में कोयला और आग लगा देते हैं, और जब जलते 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 जा करके वो पात्र एकदम लाल बन जाता है, तभी तो लाल बनता है पात्र, है ना। इसलिए कहती जो राधा रानी की जो भक्ति है, हैं ये राधा रानी की भक्ति बड़ी गुप्त भक्ति, ये बड़ी गुप्त भक्ति। इसलिए जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, कैसे मंत्र उच्चारण करनी चाहिए, जिह्वा तक भी नहीं हिलनी चाहिए, जैसे गोपाल मंत्र काम गायत्री, इसको जिह्वा तक भी नहीं हिलनी चाहिए, है इसलिए तभी जाकर, इसलिए ये गुप्त वस्तु है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में ये राधा रानी का नाम को स्पष्ट रूप में उन्होंने ग्रहण नहीं किया। क्यों? बोले राधा कौन है, जो श्याम सुंदर भी जिनको अपना हृदय में छुपा करके श्री राधा रानी को हृदय में धारण करते हैं। इसलिए बहुत सारे कारणों को लेकर के भागवत में स्पष्ट रूप में श्री राधा रानी का नाम नहीं, लेकिन है कहाँ, कल हम इसको सुनेंगे कैसे भागवत में राधा जी का नाम। अभी राधा रानी की जन्म की कथा सुनते हैं। राधा रानी को बनाया है, बनाया ना, तो 5 मिनट के बाद में ले आना, ठीक है। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभ अनुराज नंदिनी की। हाँ देखो, कहते श्री वृषभानु महाराज के घर में उनका जो पहले संतान हुआ जिसका नाम श्रीदाम भैया, लेकिन घर में कोई बेटी उनकी नहीं। अभी वृषभानु महाराज सोच रहे हैं घर में एक बेटी होनी चाहिए। देखना, जो कन्या दान को सबसे बड़ा दान मानी गई है इसलिए हर घर में, लेकिन अभी क्या होता है, अगर बेटा बेटा आ जाए ना, सबके सब खुश हो जाते हैं। अगर घर में बेटी जन्म ले लिया, नाना नानी का तो पहले अवस्था खराब, घर में बेटी कैसे जन्म ले ली, हैं बेटी कैसे जन्म ली। बोले नहीं, घर में बेटी आई सारा दुनिया का, तो घर में लक्ष्मी आई। बेटा आए तो कोई कहता है नारायण आया, कोई बोलता है नहीं, बेटी आई तो दुनिया कहते लक्ष्मी आई। इसलिए और जो कन्या को जो दान करते ना भाई, राधा रानी को 2 मिनट के लिए वहीं पर खड़े कर दो, 2 मिनट। इसलिए घर में जो बेटी आए ना, जब घर में बेटी आई, देखे ना, बेटी आने पर दान देखना शुरू हो जाती है, दान देखना शुरू हो जाती है। इसलिए कन्या दान को सबसे बड़ा दान माना। अगर जगत में लड़की लड़की नहीं हो, अगर जगत में केवल बेटा बेटा हो जाए, बोले दुनिया रहेगा बताओ? ये दुनिया किसके वजह से? माताओं की वजह से। अगर माता ही नहीं रहेगी दुनिया तो नहीं रहेगी। इसलिए राधा रानी के, इसलिए वृंदावन में कोई भी कृष्ण का नाम नहीं लेते, किसका नाम लेते हैं? हाँ, इसलिए श्री वृषभानु महाराज सोच रहे हैं घर में एक लड़की होनी चाहिए, घर में है लड़की होनी चाहिए घर में। इसलिए वृषभानु महाराज बड़े चिंता में, बेटी होनी चाहिए। लेकिन उधर क्या हुआ है, घटना घटी, कहते श्री हिमालय का जो कन्या है ये पार्वती, और पार्वती का पति कौन है? शंकर जी। इसलिए शंकर जी का साथ में हिमालय पर्वत का संबंध क्या हो गया, उनके दामाद हो गया भोले बाबा। अगर किसका दामाद अगर भोले बाबा हो इसी जगत में, देखना, अगर किसका बेटा कोई मंत्री पद में हो ना, बड़ा पद में, देखना हम घुमा घुमा करके संबंध को ढूंढते, जानते हो वो कौन है, हमारे अमुक का अमुक का अमुक का अमुक वो व्यक्ति है,
उसी तरह जब शंकर जी उनकी बन गए दामाद, ये हिमालय पर्वत का बड़ा अहंकार, वो सारे पर्वत को पास में जाकर कहता है, बोले जानते हो मेरे दामाद कौन? बोले देव देव महादेव, जोगी जोगी महाजोगी, सत्यम शिवम सुंदरम, सब जगह में अपना डी घांकते हैं। एक विंध्याचल पर्वत था, बोले बड़ा अभिमानी है, सब जगह में मेरे दामाद मेरे दामाद। उन्होंने ब्रह्मा जी को आराधना की, बोले प्रभु मेरे को ऐसे के दामाद दो, जब संतुष्ट हो गए, जो शंकर जी से हर गुण से शंकर जी से बड़े होनी चाहिए, शंकर जी जिनका सेवक हो। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोल दिए। जब तथास्तु बोले, दामाद कब होगा? घर में बेटी हो तभी तो दामाद होगा ना, बेटी के बगैर दामाद कैसे होगा? लेकिन उन्होंने वरदान मांगे, शंकर से भी सुंदर, शंकर से भी बलवान, शंकर से भी ज्ञान में ज्यादा, हर तरह से शंकर जिनका सेवक हो। अभी ये तो केवल श्री गोविंद देव है, शंकर भोले बाबा जिनके सेवक है, हनुमान जिनकी सेवक है, हनुमान तो शंकर जी है। अभी राधा रानी अगर इनकी बेटी हो तब तो काम बनेगा, लेकिन राधा रानी जो नित्य बेटी कृतिका सुंदर की, हाँ कृतिका सुंदर की बेटी, अभी गर्भवती कृतिका मैया अभी गर्भवती है, लेकिन अभी जोग माया ने आदेश देकर के उनको गर्भ से आकर्षण करके उन्होंने विंध्याचल के पत्नी के गर्भ में स्थापन कर दिए। जब स्थापन कर दिए उनको ऐसे लगा जैसे मेरा गर्भ कहीं गर्भपात हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन बीच के बात क्या हुआ पता ही नहीं चला। इतने में राधा रानी और उसे चंद्रावली, ये दोनों विंध्याचल की दोनों बेटी होकर जन्म ग्रहण किए। जब जन्म ग्रहण किए, लेकिन इधर क्या हुआ कि जो पुतना, अभी कथा सुन रहे थे ना पुतना, जिस समय कंस ने वो देवी को पछाड़ करके मारने जा रहा था, वो देवी आकाश में चली गई, आकाशवाणी की, बोले रे मूढ़ कंस, तुम मेरे को क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। देख वो अकेला जन्म नहीं हुआ, वो अपना शक्ति को साथ में जन्म लिया, उसकी जो शक्ति है वो मेरे से भी सुंदर है, मेरे से भी गुणवान है, मेरे से भी ज्यादा ज्ञानवान है। अगर उसकी शक्ति को साथ में किसकी शादी होगी, ये जगत में चिर अमरत्व को प्राप्त करेगा, उसका जस विश्व ब्रह्मांड में जाएगा, वो उसका कीर्ति सारा दुनिया में फैलेगा, वो अजर अमरत्व को प्राप्त करेगा। वो देवी ये बात बता दी, इसलिए कंस पुतना को बोले, देख पुतना, अगर कोई बेटा मिले तो मार डालना, अगर बेटी मिले ना मारना नहीं, ले आना मैं शादी करूंगा, क्योंकि मेरी देवी स्वयं बताई, उसकी शक्ति भी कहीं जन्म हुई, वो मेरे से भी सुंदरी रूपवती गुणवती, और उसको साथ में शादी होने से अजर अमरत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए पुतना तो बच्चों को ही मार रही थी, लेकिन जब उन्हें विंध्याचल में गए और उनको दो बेटी चंद्रावली और राधा रानी को देखा ना, बड़े सुंदर दो बेटी, वो पकड़ करके मारी नहीं उनको, है उनको मारी नहीं, पकड़ करके उठा करके आकाश में उड़ चली, ले आएगी कंस को साथ में, कंस शादी करेगा। जब उठाए इतने में उनका जो पुरोहित था ना, वो यज्ञ कर रहे, तो दोनों बेटी वहीं पर थे, और यज्ञ से उसने उठा लिया। इतने में विंध्याचल वो पुरोहित को बोला, तुम ऐसे उच्चाटन मंत्र प्रयोग करो जैसे ये पुतना मर जाए। उन्होंने मारण मंत्र को प्रयोग किया पुतना को मारने के लिए, ऐसे मंत्र शक्ति, पुतना तो छटपट 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 करने लग गई। इतने में पुतना डर के मारे वो दोनों बेटी को छोड़ करके भाग गई वहां से। इसलिए दो बेटी को कहां पर, आप लोग रावल गए होंगे, वहां पर जहां पर रावल वहां पर राधा रानी को छोड़ा, उसको पास में चंद्रावली का गांव है, चंद्रावली को तो उन्होंने वहीं पर और एक जगह पर छोड़ दिए, और एक जगह पर उन्हें राधा रानी को छोड़कर चली गई। अभी वृषभानु महाराज ये रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते हैं यमुना में। जब स्नान करने के लिए गए, देखा एक सतदल कमल पुष्प के ऊपर में एक किलकारी मारते हुए बड़ी सुंदरी प्यारी एक बालिका बहते बहते आ रही, और वृषभानु महाराज उतरे और वो बालिका को वहां से उठा लिए, उठा करके उन्होंने ला करके श्री कृतिका सुंदर के दिए। बोले कीर्ति दे, देखो हम सोच रहे थे ना हमारे घर में एक बेटी होनी चाहिए, देखो ठाकुर जी एक बेटी दिए। अभी कृतिका सुंदरी राधा रानी को बड़ी जत्न पूर्वक पालन कर रही थी, लेकिन जब से जन्म हुई तब से वो आंख बंद करके रखी। बोले क्यों? बोले सर्वप्रथम जब मैं आंख खोलूंगी मेरे प्रियतम गोविंद देव को देख करके, फिर ये दुनिया को मैं देखूंगी। इतने में नारद जी ने देखा कृष्ण गोकुल में जन्म हुए, वो अकेला था, आएंगे नहीं, वो अपना शक्ति को साथ में आएंगे, लेकिन उनका शक्ति कहाँ पर ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने गोकुल में आए, रावल में आए, और वृषभानु महाराज को पूछे,
आपका घर में कोई संतान जन्म हुआ है? बोले नहीं। बोले एक बेटा जन्म हुआ, उन्होंने बेटे को लाए। बोले कोई बेटी हुई कि नहीं? चुप हो गए, क्योंकि बेटी को उन्होंने यमुना से प्राप्त की। बोले हाँ एक बेटी भी हुई। बोले बेटी को लाओ। जब लाए बेटी को देख करके नारद जो पहचान गए, यही तरह रमेश्वरी खमेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी हाँ प्रमाण शासनेश्वरी श्री राधिके नमस्तुते, यही तो श्री राधा रानी है जो विश्व ब्रह्मांड के जो ईश्वरी हैं, ये सर्व विश्व ब्रह्मांड की ईश्वरी, जिनसे उमा रमा चंद्रा सची जितने शक्ति जिनसे प्रकट होते हैं, यही भगवान की लादिनिया महाशक्ति सर्वशक्ति वरीयस श्रीमती राधा रानी। वो तो पहचान गई, अभी राधा रानी को स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन पिता माता समझते थे हमारे लाडली लाली है, उनको पता नहीं यही सर्वेश्वरी। उनने बहाना बनाया, थोड़ा फूल ले आओ, तुम्हारी बच्ची को मैं थोड़ा आशीर्वाद करूंगा। जब फूल लेने के लिए गए, इतने में राधा रानी एकदम किशोरी बन गई, सारे सखियां प्रकट हो गई। ललिता कहती बाबा जल्दी जल्दी स्तुति करो, नहीं तो राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी। तब श्री नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करते, बच्चे को ले आओ, राधा रानी को ले आओ, भैया राधा रानी को लेकर के आ जाओ। बोले मुनिन्द्र देखो, ये जो अभी जो हम स्तुति गा रहे हैं, ध्यान देकर सुनो, ये स्तुति का नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। अगर इसको कोई पढ़ेगा ना, इसको पर जरूर श्री राधा रानी की कृपा होगी। अगर राधा कुंड में खड़े होकर के अगर इस स्तुति को कोई पढ़े, राधा रानी स्वयं राधा कुंड से प्रकट होकर के उनको दर्शन देती है। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की। हाँ इधर सुना ध्यान से, हरि बोल, ध्यान से सुना। जो कल जो कथा होगी, कल कथा में श्री अन्नकूट महामहोत्सव क्या है, जोर से बोलो। हाँ गिरिराज गोवर्धन की पूजा। देखो ये गिरिराज की पूजा की बड़ा महत्व है, उसमें एक अन्न का दाना अगर कोई गिरिराज की सेवा में लगाएगा, किसी जन्म में भी उसको घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। ये गिरिराज स्वयं वरदान, गोविंद देव स्वयं बोले। इसलिए कल आप लोग अपना अपना घर से जो बढ़िया बढ़िया चीज बनाते हो, थोड़ी थोड़ी बना करके लाना है, जो बढ़िया बढ़िया चीज बनाते हो, कल यहाँ पर गिरिराज की पूजा में वो सब लगेगा, उसको बाद में ये प्रसाद आपको सब प्रसाद आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। राधा रानी की कोई बधाई, अच्छा बधाई कहते हैं हाँ भैया। हाँ देखो तब श्री नारद जी स्तुति, उन्होंने नारद जी स्तुति करते हैं। बोले मुनिन्द्र बिंद बंदित त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज मोहविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते सदा करी ससे अमम कृपा कटाक्ष भाजन अशोक वृक्ष पल्लवी वितान मंडप प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणान त्रिकोमल बराभय पुरत करे प्रभूत संपदा तदा करी ससी अमम कृपा कटाक्ष भाज महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते इति माधोतस्तवं निशम्न भानुनन्दिनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेतदैव संचितं त्रिरूप कर्म नाशनं भवेतदा ब्रजेन्द्र सोनु मंडल प्रवेशनं तदा करीषसी अमं कृपा कटाक्ष। बोले श्रीमती राधा रानी की। इतने में श्री वृषभानु महाराज पूरा ब्रजमंडल में ढिंडरा पिटवा दिए, मेरे घर में लाला भयो है,
लाली भाई और सबके सब बधाई देने के लिए आओ। अभी नंद बाबा को भी निमंत्रण दिए, नंद बाबा ने श्री गोविंद देव को लेकर के आई और गोविंद देव को उन्होंने श्री राधा रानी को पास में लेटा दिया कृष्ण को। इतने में कृष्ण अपना हाथ को श्री राधा रानी को ऊपर रखते ही राधा रानी को पता चला मेरे प्रियतम आ गई। इतने में उन्होंने आँख खोल दी और कृष्ण वृषभानु महाराज तो खुश थे, लेकिन सोच रहे थे पता नहीं बेटी जन्म से अंदर अंदर में क्या सोच रही है। लेकिन जब उन्होंने आँख खोल दिया ना, बड़े प्रसन्न होकर के बड़े धूमधाम से श्री राधा रानी की जन्म महोत्सव को पालन किया। बोले श्री राधा रानी की जय। देखो अभी राधा रानी की बधाई गाएंगे। राधा रानी लक्ष्मी है ना, इनकी बधाई में जो नाचेगा ना खूब घर में लक्ष्मी आएगी, क्योंकि राधा रानी की आज जन्म तिथि है। देखते हैं कौन नाचता है राधा रानी के जन्म में। अरे वो टफी हुई था क्या गया ले आई ठीक है। हाँ तो हम गाओ तो हम बोलो सर श्रीमती राधा रानी हंसा भाव की विश्वान बाबा की भैया की आगे के माता की चूड़ी और बिंदिया लाएंगे। आप लोगों को जब बैठेंगे ना तब मिलेगा, कीर्तन के बाद का बैठ गया ना और चूड़ी बिंदिया लेके जाएंगे सर ठीक है। हर बरसाने बजी बधाई की रखने लाली जाई, बरसाने बने बधाई के रखने
I'm not afraid of the dark.
आगे पीछे ठाकुर जी की आरती में सबको नाचना चाहिए। जय जय राधा रमन हरि I'm not afraid.
हरे